सो हेलो एवरी वन वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हैं बच्चा लोग कैसे हैं सभी लोग सभी को मेरा राम राम सभी को मेरा सलाम सभी को मेरा जय हिंद है एक बार जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाओ बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है बियरिंग का यस नाउ माई डियर फ्रेंड द बियरिंग टॉपिक इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन और गेट एग्जामिनेशन इन योर पी एस यू एग्जामिनेशन आप सभी लोग जानते हो बियरिंग एक बहुत खतरनाक टॉपिक है और बहुत ही समझने वाला कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाओ फटाफट फटाफट एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी, जल्दी आ जाओ ना वॉइस इज क्लियर एक बार सभी लोग कहोगे आवाज सही आ रही है वॉइस इज क्लियर ना चलो भाई स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट 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 फटा फट, फटा फट, फटा फट। सभी लोग जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करोगे नाउ डियर आप लोगों के लिए इस मंथ में एक नया नया प्लान लेकर आया हूं मंथ का एकदम सुपर प्लान जो क्यों कहते हैं ना एकदम सरप्राइज पे सरप्राइज सरप्राइज पे सरप्राइज सभी लोग एकदम बिल्कुल 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 सरप्राइज पे सरप्राइज लेकर आया हूं मजेदार प्लान लेकर आया हूं चलो भाई स्टार्ट करते हैं सेशन को नाउ डियर आपको बताना चाहूंगा बियरिंग में मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूं बियरिंग के टोटल आपको बोलूं तो सात से आठ क्लासेस होने वाली हैं क्यों सर बियरिंग में थोड़ा टाइम लगेगा डियर बियरिंग आपको समझाना है देन उसके बाद आपके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं तो वहां आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जैसा आप सभी लोग जानते हो ट्रिपल बी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिपल बी यस बेल्ट बियरिंग ब्रेक ठीक ना ब्रेक इसके बाद हम लोग करेंगे तो मशीन डिजाइन में ट्रिपल बी का बहुत इंपॉर्टेंस है तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा नाउ बेयरिंग जो है इनमें से एक है जो कि गेट ई पीएसयू हर जगह पूछा जाता है बेटा ठीक है ना डिजाइन ऑफ साफ्ट कब लोगे डिजाइन ऑफ साफ्ट बेटा अभी टाइम लगेगा बियरिंग के बाद आ, आपका ब्रेक होगा ब्रेक के बाद गियर गियर के बाद साफ्ट की कपलिंग होगा ठीक है ना तब हम पढ़ाएंगे डिजाइन ऑफ साफ्ट आपको ठीक है ना चलिए शुरुआत करते हैं डिजाइन ऑफ बियरिंग से, से सेशन की तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो हेलो एवरीवॉन सो हेलो एवरीवन दिस इज आलोक झा फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वेरी वॉन वेलकम टू ऑल दिस चैनल अन्य सी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन का बटन दबाइए हमारे साथ जुड़ जाइए चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे भाइयों ना उगज एक्सपर्ट इन गेट एंड ई एस सी एम टेक फ्रॉम आई आई टी फोर टाइम्स गेट टॉप रैंकर हैविंग नाइन ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट टेकन बाई मीज द हार्ट एंड सोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें थ्योरी ऑफ मशीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मशीन डिजाइन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और वाइब्रेशन जैसे सब्जेक्ट में आपको यहाँ करवाता हूँ जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों जैसा कि आप सभी लोगों का डिमांड था कि क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाए तो उसके लिए ही एक सूचना लेकर आया हूं कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाली है कब से स्टार्ट होने वाली है क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है कल से इसकी टाइमिंग जो है मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग बताइएगा जरूर ठीक ना कई सारे बच्चों ने बताया भी इसकी टाइमिंग पे जो आपका फाइनलाइजेशन हुआ इसका जो टाइमिंग फिक्स हुआ वो हुआ शाम को साढ़े चार बजे फोर थर्टी पी एम डेली फोर थर्टी पीएम डेली तो सर ये कब से करना है और पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा ठीक है ना इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा सुनने के लिए क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है कल से थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर ओके सो गाइज यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो आपको तो मेरा कोड आलोक लाइव लगाना है और जुड़े रहना है डियर डोंट टेक टेंशन मैं हूं कोई दिक्कत नहीं है मैं कोई दिक्कत नहीं है मतलब आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है याद रखना आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है याद रखना मेरे बच्चे ध्यान से सर ऐसा क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा क्रैश कोर्स जो है क्रैश कोर्स के अंदर 4:30 थर्टी पी पीएम कल से स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए मैंने पहले सोचा थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट करते हैं जब मैंने सोचा कि थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट करेंगे देखो अपना सेप्टेंबर मंथ का प्लान भी बताऊंगा अभी के अभी सर क्या है सेप्टेंबर मंथ का प्लान अभी देख लो सेप्टेंबर मंथ का प्लान जो है डियर आप लोगों को दो चीजें करानी है एक रेगुलर बैच और एक क्रैश कोर्स दैट इज रिवीजन बैच ठीक है ना एक क्रैश कोर्स दैट इज रिवीजन बैच याद रखिएगा रेगुलर बैच में तो आपका मॉर्निंग नाइन थर्टी क्या चल रहा है डियर मशीन डिजाइन ओहो ये बहुत झंझट है रेगुलर बैच में जो चल रहा है नाइन थर्टी ए एम डियर ये क्या है यू कैन सी दिस ये क्या है डियर दिस इज is... ये बार बार कोई नहीं तो नाइन थर्टी ए एम हमारा क्या होगा डियर आई थिंक वहां हम लोग लेकर जा रहे हैं पेन ठीक है नाइन थर्टी ए एम हमारा क्या होने वाला है डियर में आप लोगों को रेगुलर बैच में कराने वाला हूं मशीन डिजाइन एंड क्रैश कोर्स जो होने वाला है डियर क्रैश कोर्स अगर मैं थर्टी पी एम क्रैश कोर्स जो है ये साढ़े चार बजे होगा शाम को फोर थर्टी पी एम क्रैश कोर्स जो होगा फोर थर्टी पी एम होगा डियर याद रखिएगा इसमें मैं स्टार्ट क्या करने वाला हूं मैंने सोचा थ्योरी ऑफ मशीन करते हैं तो अभी बताऊंगा क्या करेंगे थोड़ा सा मैं सोचता हूं मैं बताता हूं क्या करेंगे अभी आपको क्लास के एंड में एक पोस्टर दिख जाएगा क्या करेंगे तो सितंबर मंथ में मैं 10 दिन दिन और 20 इसको दो भाग में बांटा सितंबर मंथ को मैंने दो भाग में बांटा है 10 डेज डेज एंड 20 ठीक है ना 10 डेज एंड 20 डेज दैट इज 30 डेज व्हाट वा सर तो 10 दिन में वाइब्रेशन एंड 20 दिन में टोम अब आई डोंट नो पहले कौन सा होगा वो आपको आज की क्लास के लास्ट में जब आपको पूरा पढ़ा लूंगा अपने आप एक पोस्टर दिखेगा उस पर रिवेल्ट कर दूंगा मैं अपने आप सारा सब्जेक्ट आपको दिखेगा कौन सा स्टार्ट होने वाला ठीक ना वो तय हो चुका है कौन सा स्टार्ट होने वाला तो इसको मैंने दस और बीस टेन और ट्वेंटी टोटल थर्टी डेज टोटल डेज सो इज टू सब्जेक्ट रिवाइज दो सब्जेक्ट का रिविजन करेंगे हम इस सेप्टेंबर के मंथ में सेप्टेंबर मंथ में दो सब्जेक्ट का रिविजन होगा मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा ठीक है ना तो क्रैश कोर्स के अंदर दो सब्जेक्ट एंड रेगुलर बैच के अंदर ओनली मशीन डिजाइन जो चल रहा है ठीक ना मशीन डिजाइन खत्म होते ही अपन स्टार्ट करने वाले हैं रेगुलर बैच में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ठीक ना और आपको दीपावली से, से पहले पहले आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फिनिश करना है याद रखिएगा दीपावली से पहले पहले आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फिनिश करना है क्योंकि दीपावली के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो पूरा पूरा एकदम मास्टर प्लान बना के लगाया हुआ है मैंने देन उसके बाद रेगुलर बैच में मॉर्निंग में फॉर्मूला बैच स्टार्ट होगा और दिन में आपका क्वेश्चन बैच पूरा प्लान बना के बैठा हुआ हूं एक एक, एक, एक चीज आपके लिए कैसे करना है इसीलिए बोलता हूं आलोक, है, तो सब पॉसिबल है याद रखना क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है नाउ डियर इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर प्लस और आईकोनिक सब्सक्रिप्सन तो गाइज यू कैन सी दिस यहां आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन रैंक इंप्रूवमेंट बैच लाइव क्लासेस इंग्लिश हिंदी बैचेस वीकली टेस्ट क्रैश कोर्स और डाउट सॉल्विंग सेशन वो भी कैसा आप बोल के ही सब कुछ पूछ सकते हो बोल के ही सब कुछ पूछ सकते हो डियर यू कैन सी दिस आइकॉनिक में आपको प्लस मिलता है इसके साथ-साथ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स ओ माय गॉड ये क्या है ठीक है ना आप अपने डाउट भेजोगे और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर मतलब वो आपके लिए बैठे रहेंगे ठीक है ना आप अपने डाउट भेजोगे और वो आपके डाउट सॉल्व करेंगे आप अपने डाउट भेजोगे वो आपके डाउट सॉल्व करेंगे मतलब इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है आप अपने डाउट डाउट भेजोगे वो आपके क्लियर करेंगे इंस्ट्रक्टर डेडिकेटेड वर्ड समझ रहे हो डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर वो आपके लिए बैठे रहेंगे आपके डाउट सॉल्व करने ठीक है ना और वो कौन होंगे वो आपके जो आइकॉनिक में जिनको आपने पर्सनल कोच बनाया है ठीक है ना यू कैन सी दिस यहां हम आपके लिए क्या दे रहे हैं स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सेट सो माय डियर फ्रेंड आइकॉनिक का बहुत बड़ा फायदा हो गया है ठीक है ना क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीजें ऐड कर दी गई है तो प्लस वाले बच्चे बोलते हैं कि सर मैं आप कहां से डाउट पूछू बेटा मैं बता रहा हूं उसके लिए भी ऑफर आ चुका है स्टडी प्लानर बूस्टर सेशन टेस्ट एनालिसिस ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है ठीक है ना नाउ इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं एक साल का लेना है डेढ़ साल का या दो साल का आप जो भी लेना चाहते हो ठीक है ना आपको आलोक लाइव लगाना और पर मंथ पे आलोक लाइव लगा के पर मंथ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो ठीक है इसी तरीके से आइकॉनिक में आइकॉनिक में फीस थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि आपको इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही है ठीक है ना Now, अनकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए इंस्टॉल करने के बाद आप हमें फॉलो कर सकते हैं Academy पे देन डियर आप, आप देख रहे हो स्पार्टन बैच फ्लूड रहा हूं स्पेशल क्लासेस ठीक है ना स्पार्टन बैच फ्लूड मैकेनिक आप देख रहे हो बेटा यहां में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां आपका फ्लूड मैकेनिक रेगुलर चल रहा है रेगुलर चल रहा है रेगुलर कल चार क्लासेस हुई हैं कल चार क्लासेस हुई हैं और इसका टाइमिंग क्या है सर इसका फिक्स टाइमिंग बेटा फिक्स टाइमिंग मैंने आपको बोला ही था सेवन थर्टी पीएम ठीक है ना शाम को साढ़े सात बजे फ्लूड मैकेनिक्स डिटेल में पढ़ाया जा रहा है फुल टू डिटेल मजा आने वाला फ्लूड मैकेनिक्स और इसके साथ ही साथ में फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ाने के साथ साथ थाउजेंड क्वेश्चन बुक का नाम ये बुक का नाम है याद रखना थाउजेंड क्वेश्चन ऑफ के सुब्रमण्यम ठीक है ना एफ का फ्लूड मैकेनिक्स के ये राइटर बहुत फेमस है आपको पता है सुब्रमण्यम साहब ठीक है ना उनके हजार क्वेश्चन वाली बुक से मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं दैट मींस की आपको खुल के मैं कह रहा हूं बेटा चुनौती दे रहा हूं कि आओ हजार क्वेश्चन ऑफ सुब्रमण्यम सर का कर डालो ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों आओ और साढ़े सात बजे आकर हमारे साथ जुड़ो ध्यान रखिएगा स्पेशल क्लासेस कुछ फीचर्स हैं इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस पोल मिलता है कभी मिस नहीं कर सकते सबसे बड़ा फीचर आपके लिए ये है कि आप लेक्चर नोट डाउनलोड कर सकते हो मैंने जितना पढ़ा है, सबके है आप उसको भी देख सकते हो नाउ फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर यानी कि टीचर्स डे आप लोगों को पता ही है ठीक ना टीचर्स डे पे आप लोगों को हेड भी मिल गया होगा डेडिकेशन स्टार्ट भी हो गया है तो आप लोग जाकर टीचर्स डे दे हेड डेडिकेशन भी कर सकते हैं और टीचर्स डे के मौके पे आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है अन अकेडमिक कॉम्बेट का आलोक लाइव कोड लगाकर ध्यान रखिएगा एंड दिस वन इज द ऑफर्स ये आपको पता है इस समय बारह और चौबीस पे आपको ये ऑफर्स मिल रहे हैं ठीक है अगर आप लोगे तो कोई भी इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट लगे आप हमें जरूर बताइए ध्यान से कोड याद रखिएगा कोड इज आलोक लाइव दिस इज डिस्काउंट कोड ठीक है आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है सारे सब्जेक्ट को ऐसे टांग के रख दो खत्म करो ठीक ना आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है डिजाइन मेरी जान है ठीक ना, के के स्टूडेंट मैं फिर से बोल सेवन थर्टी पी एम यू कैन सी दिस अब हर सवाल होगा पानी पानी हैश टैग करके दिखाएंगे याद रखना चलो भाई स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ बियरिंग सभी लोग आ गए सभी लोग आ गए इंतजार था आपका Bearing. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही आता है डिजाइन ऑफ यूट्यूब लेक्चर का पीडीएफ नहीं मिलेगा आप बेटा लेक्चर जो है ना एक्चुअली क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ यूट्यूब लेक्चर पे अगर अटेंडेंस अटेंडेंस अगर attendance की संख्या कम होती है तो पीडीएफ नहीं मिलेगा ठीक ना ये चीजें मैंने पहले भी बोला था आप लोग मेंटेन करके रखो मेरे को दिखाओ आप लोग मेरे को बीस दिन तक बीस ट्वेंटी तक को दिखाओ अपना ये भीड़ ठीक है ना अपना फिफ्टी फिफ्टी स्टूडेंट का ये भीड़ दिखाओ मुझे शेयर करो आप लोग आपको मिलेगा नोट्स में एक साथ दे दूंगा सारा क्या दिक्कत है दिक्कत क्या है फिर समझ में आई मेरी बात ठीक है ना इसीलिए कह रहा हूं ना बियरिंग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज बियरिंग सबसे पहला क्वेश्चन वट इज बियरिंग बियरिंग क्या है ठीक है ना बियरिंग क्या है अब वट इज बियरिंग बियरिंग पे थोड़ी बात करते हैं क्या लगता है व्हाट इज बियरिंग थोड़ा बैक कर लेते हैं क्या लगता है बियरिंग क्या है बियरिंग क्या है वट इज बियरिंग अगर मैं बात करूं बियरिंग की तो बियरिंग जो है कई सारे लोग क्या बोलते हैं सर विच सपोर्ट द साफ्ट सर विच रिलेट द मोशन सर बियरिंग क्या करता है रोटेशन मोशन को ट्रांसमिट करता है कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे ऐसे आ जाते हैं छोटे छोटे तो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ बियरिंग व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ बियरिंग अगर आपने बोला हैश डिजाइन मेरी जान है तो डिजाइन ऑफ बियरिंग को आप कैसे गलत कर सकते हो तो मेरे प्यारे भाइयों अब हम बात करेंगे बियरिंग क्या है सर पहला वर्ड जो आता हमारे सामने बियरिंग विच सपोर्ट द साफ्ट विच सपोर्ट द साफ्ट बियरिंग क्या है जो हमारे साफ्ट को सपोर्ट करे ठीक ना क्या हुआ क्लच वॉज ऑसम ओके थैंक यू विच बियर लोड अच्छा ओके okay. देखो आओ मैं आपको एक चीज बताता हूं जब एक बच्चे ने मुझे बोला ना कि सर विच सपोर्ट द साफ तो मैंने बोला बेटा यू कैन सी दिस मैंने उससे बोला बेटा वट इज दिस तो कहता है सर कैंटी बीम मैंने बोला बेटा ये क्या कर रहा है सर कैंटीलीवर बीम लोड को क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है सपोर्ट तो ये भी कर रहा है एक बच्चे ने मुझसे बोला कि बियरिंग का मतलब विच सपोर्ट द सपोर्ट द लोड साफ्ट छोड़ो विच सपोर्ट द लोड तो किस टाइप का लोड सपोर्ट करता है कैंटी बीम बो बीम भी तो लोड सपोर्ट करता है विथ सपोर्ट द लोड समझ में आई बात एक बियरिंग पे बात उठी तो बियरिंग पे बात यही आई कि बियरिंग क्या है तो ये बात है कि बियरिंग जो है सपोर्ट करता है लोड को तो मैंने तुरंत कैंटीलिवर बीम बनाकर उसको दिखाया मैंने कहा बेटा इसका मतलब यहां बियरिंग लगा है कहता है, नहीं सर नहीं सर नहीं सर मैंने कहा फिर क्यों बोल रहे हो फिर बियरिंग तो समझने की कोशिश करिएगा ऐसा क्या हुआ जो मैंने उसको गलत किया समझिएगा विथ सपोर्ट द लोड लोड को सपोर्ट तो करता है बट रिलेटिव मोशन करते हुए सपोर्ट करता है ठीक है ना रिलेटिव मोशन नहीं कर सकता लेकिन बियरिंग रिलेटिव मोशन कर सकता है याद रखिएगा सपोर्ट द लोड सही है बट रिलेटिव मोशन करते हुए सपोर्ट करे दैट इज कॉल्ड बियरिंग तो बियरिंग क्या है मैं आपको वही चीज अभी बताने जा रहा हूं यू कैन सी दिस बियरिंग ए बियरिंग इज अ मशीन एलिमेंट दैट कंटेन्स रिलेटिव मोशन सुनिएगा वर्ड ध्यान दीजिएगा रिलेटिव मोशन टू ओनली डिजायर्ड मोशन एंड रिड्यूज फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट ठीक है ना रिलेटिव मोशन जो ये वर्ड आया ना ठीक है ना यहां देखेगा ध्यान से यहां में तीन लाइन्स लिखूंगा विच सपोर्ट लोड दूसरा वर्ड लिखूंगा कंटेंस रिलेटिव मोशन ठीक है ना कंस्ट्रेंस रिलेटिव मोशन आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो रिलेटिव मोशन को भी कंस्ट्रेंट करता है मेरे बच्चे ध्यान से देखो अगर मैं बात करना चाहूं यू कैन सी दिस अगर मैं यहां बात करना चाहूं या yeah. सपोर्ट करता है लोड को और क्या करता है डियर रिलेटिव मोशन सपोर्ट करता है लोड को और क्या करता है डियर रिलेटिव मोशन ठीक है ना अच्छा रिलेटिव मोशन भी ट्रांसमिट करता है जी सर विथ अब यहां देखो एक वर्ड लिखा है रिड्यूज फ्रिक्शन वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूज फ्रिक्शन दैट मीन्स आपको यहां एक और लाइन जोड़ना होगा विथ मिनिमम फ्रिक्शन तो अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू में कभी भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछता है डिफाइन बियरिंग वट इज बियरिंग आप हमेशा बोलोगे बियरिंग इज अ मशीन एलिमेंट बियरिंग क्या है ये वर्ड ध्यान रखना बियरिंग क्या है एक मशीन एलिमेंट है लोग डिवाइस बोलते हैं लोग क्या बोलते हैं ना कोई भी डिफिनेशन होता है मशीन बियरिंग इज अ डिवाइस अब डिवाइस नहीं है मशीन एलिमेंट लिंक है ये एलिमेंट का मतलब क्या होता है लिंक मशीन के अंदर एलिमेंट का मतलब क्या होता है लिंक थ्योरी ऑफ मशीन की पहली क्लास याद करो एलिमेंट का मतलब क्या होता है लिंक तो बियरिंग एक मशीन एलिमेंट है मशीन का एक लिंक है जो क्या करता है विच सपोर्ट द लोड कंटेन्स रिलेटिव मोशन विथ मिनिमम फ्रिक्शन आप ये तीन लाइन बोल दोगे ना आपसे दोबारा फिर नहीं पूछेगा व्हाट इज बियरिंग हो गया फिर आपसे कहते ना कि इसके अंदर एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस टाइप का लोड किस टाइप का फ्रिक्शन किस टाइप का रिलेटिव ना वो समझ जाएगा कि तीन लाइन अगर आपने बोल दिया वो समझ जाएंगे कि आपको आता है फिर पूछना वहां तय नहीं है तो इंटरव्यू में तो उसी पॉइंट से पूछते हैं ना जहां से उनको लगता है कि आपको नहीं आएगा फंसा दो ठीक है नाउ अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोशन यू कैन सी दिस देखो अगर मैं कहूं देखिए ध्यान से देखिएगा अगर मैं कहूं दिस वन इज द इनर ये इनर है और ये क्या है आउटर है सुनना मेरी बात ये इनर है और ये हमारा आउटर है तो कोई ना कोई एक टाइम पे फिक्स होगा हमारा में कोई ना कोई क्या होगा एक टाइम पे फिक्स होगा आपको पहले मैं बता दूं दिस वन इज, आउटर रेस, दिस वन इज इनर रेस किसी भी बियरिंग में

मतलब जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक फिक्स होगा एट ए टाइम जी सर तो मेरे प्यारे भाइयों थोड़ा ध्यान से देखो एट ए टाइम कोई भी फिक्स हो सकता है जैसे सर आउटर वाला फिक्स हो सकता है इनर वाला मोशन ले सकता है या इनर वाला फिक्स हो सकता है आउटर वाला मोशन ले सकता है अब ये, ये दूसरा लाइन सुन के आपको भी थोड़ा पेचीदा लगा होगा आपने तो हमेशा यही सुना होगा कि आउटर रेस इज फिक्स आपने हमेशा यही सुना होगा कहीं भी बियरिंग पढ़ा हो आउटर रेस इज फिक्स इनर रेस इज मूविंग आपने हमेशा यही सुना होगा बट मैं आपको बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आउटर रेस फिक्स रहे और इनर रेस ही घूमे इनर रेस भी फिक्स हो सकता है ना, जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है इनर रेस भी फिक्स हो सकता है इनर रेस भी फिक्स हो सकता है आउटर रेस भी रोटेट कर सकता है क्या बात कर रहे हो हाँ घर में सीलिंग फैन है हाँ सर सीलिंग फैन है जाओ सीलिंग फैन को जाकर ध्यान से देखो सीलिंग फैन में बाहर वाला रोटेट करता है कि अंदर वाला रोटेट करता है जाकर ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा बाहर वाला रोटेट करता है कि अंदर वाला रोटेट करता है लेकिन आपको खुद समझ में आ जाएगा बेटा कि सीलिंग फैन में जो है बाहर वाला रोटेट करता है अंदर वाला फिक्स होता है तो अगर आपके मन में भी ये भी धारणा है कि बाहर वाला ही फिक्स होता है अंदर वाला मूवेबल होता है तो मैं आपको बता दू जरूरी नहीं है बियरिंग का काम है थ मिनिमम फ्रिक्शन कंस्टेंट रिलेटिव मोशन विथ सपोर्ट द लोड यहां कहीं ये नहीं लिखा है आउटर आउटर केस इज इज या रेस कुछ भी हो ये कहीं लिखा है क्या नहीं ना तो मेरे प्यारे भाई तो अगर नहीं लिखा है इसका मतलब आप अंदर बार कुछ भी फिक्स कर सकते सो डोंट टेक एनी टेंशन समझ गए मेरी बात मेरी बात समझ में आया ठीक है ना इज दैट क्लियर आ, ये रिलेटिव मोशन के लिए ही है याद रखिएगा मेनली किसके लिए रिलेटिव किस मोशन के लिए, के लिए जो सपोर्ट करता है लोड को भी लोड को भी सपोर्ट करता है मिनिमम ओके okay. तो बियरिंग के बारे में आप लोगों को पता चल गया जी सर जब बियरिंग के बारे में आपको पता चल गया तो आपको पता है बियरिंग की खोज कैसे हुई आपको पता है बियरिंग की खोज कैसे हुई कहानी सुनना है बियरिंग का अगर कहानी सुनना है तो बता दो

आ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपको पता है बियरिंग की खोज कैसे हुई थी चलो आओ बियरिंग की खोज पे बात करते आओ बियरिंग की खोज पे बात करते यहां अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बियरिंग की कहानी अरे कहानी अब मजा आने वाला है अरे वाह अच्छा ये सर ये कहानी से कितना फायदा होगा बेटा कहानी अगर आपने सुन लिया तो बस ये समझ लो कि आपका यहां से दिल खुश होगा और दूसरा पॉइंट आप फिर जीवन में कभी गलती नहीं करोगे कभी जीवन में गलती नहीं करोगे याद रखना चलो आप तो बियरिंग की, की कहानी बियरिंग ठीक है ना बियरिंग की कहानी थोड़ा ध्यान से सालों साल पहले जब साफ्ट को रोटेट करवाया जाता था ठीक है ना जब साफ्ट को रोटेट करवाया जाता था तो हमें इतना दिमाग था नहीं तो हम लोग क्या करते थे किसी भी साफ्ट को रोटेट कराना है तो एक बढ़िया सा एक होल कट करिए एक बढ़िया सा होल कट करिए और उसके अंदर साफ्ट डाल दीजिए और रोटेट कराइए एक बढ़िया सा होल कट करिए उसके अंदर ये साफ्ट डाल दीजिए और उसके बाद बढ़िया सा रोटेशन दीजिए ठीक है ना समझ में आया सालों साल पहले जब हमारे पास इतना दिमाग नहीं था तो हम लोग क्या करते थे साफ्ट इन ए होल हम लोग साफ्ट हम लोग हम लोग किसका यूज करते थे हम लोग साफ्ट और होल का यूज करते थे ठीक है ना अब तुम कहोगे सर इसका यूज तो आज भी करते हैं मैंने कहा कैसे है तो कहोगे कि सर हम तो प्रोडक्शन में आज भी पढ़ रहे हैं कि साफ्ट होल के अंदर जा रहा है जी सर अब अभी भी पढ़ रहे हैं मैं मना नहीं कर रहा हूं बट 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 आप ये नहीं पढ़ रहे होंगे कि वहां relative motion हो रहा है। आप ये नहीं पढ़ रहे होंगे कि वहां relative motion हो रहा है। आप ये चीज नहीं पढ़ रहे होंगे हो हो मेरी बात यहां रिलेटिव मोशन हो रहा है ऐसा साफ्ट और होल का आपने नहीं देखा होगा आपने साफ अंडर होल का देखा होगा कॉमिनेशन मना नहीं कर रहा हूं प्रोडक्शन में आपको अभी भी पढ़ाया जाता है मेट्रोलॉजी में अभी भी हम लोग साफ्ट का अपर एंड लोअर टॉलरेंस एंड होल का अपर एंड लोअर टॉलरेंस वगैरह सब निकालते हैं सॉरी अपर एंड लोअर लिमिट ठीक ना अपर एंड लोअर लिमिट पूरा निकालते हैं इसका ठीक है ना सो माय डियर आपने वहां ये तो पढ़ा होगा होल है साफ्ट है बट आपने ये नहीं देखा होगा कि रिलेटिव मोशन भी होना है ठीक है ना ना सपोर्ट भी करे और रिलेटिव मोशन भी हो ठीक है भाई जब ऐसा मोशन होना शुरू हुआ ना तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट का जनरेशन होना चाहिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट का जनरेशन होना चालू हुआ ही जब हीट का जनरेशन होना चालू, जनरेशन होना चालू हुआ तो साफ हमारा क्या हुआ खराब होने लग गया आपने प्रोडक्शन में यह भी पढ़ा होगा हीट जनरेट होता है तो हमारा मेटल क्या होता है पिघलता है तो मेरे प्यारे भाइयों आप समझने की कोशिश करो ये जो साफ है जो इस भी, इस होल के अंदर गया हुआ है वो क्या होने लग गया ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट तो मेरे को एक चीज बताओ बेटा मैं आपसे यहां एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा यहां एरिया का कॉन्टेक्ट ज्यादा है क्या छोटा सा क्वेश्चन ये है यहां कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है क्या मेरे को बताओ जरा कॉन्टेक्ट एरिया बहुत ज्यादा यहाँ का कॉन्टेक्ट एरिया क्या है बेटा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम यहां कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है जी सर बेटा आपको पता है क्या सर स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है जी सर लोड अपॉन एरिया होता है जी सर जब एरिया ज्यादा है बेटा अगर कॉन्टेक्ट में तो स्ट्रेस क्या होगा बेटा सर स्ट्रेस उतना ही क्या होगा कम होगा जब एरिया ज्यादा है जब एरिया ज्यादा है तो स्ट्रेस उतना ही कम होगा और जितना कम स्ट्रेस होगा इसका मतलब हम लोड उतना ज्यादा लगा सकते हैं दैट मीन्स लोड कैपेसिटी क्या हो गई थी इंक्रीज हो गई थी तब जब साफ्ट होल के अंदर था जब साफ्ट होल के अंदर था तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई थी डियर हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो चुकी थी डब्ल्यू जो क्या हो चुका था डियर डब्ल्यू हो चुका था ज्यादा हम बहुत खुश थे हम बहुत खुश थे कि एरिया ज्यादा कांटेक्ट में ले रहा है लोअर पेयर है ज्यादा एरिया कांटेक्ट लोअर पेयर होता है ठीक ना ज्यादा लोड ज्यादा एरिया स्ट्रेस कम स्ट्रेस कम लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा जब लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गया तो हम बहुत खुश थे कि यार साफ्ट के ऊपर हम गियर चढ़ाएं पुली चढ़ाएं चाहे हम दुनिया भर का कितना भी लोड चढ़ा दे साफ्ट होल के अंदर में है कोई दिक्कत नहीं जी सर ये आज भी किया जाता है क्या हां किया जाता है कहा किया जाता है सर अरे भाई जितने भी प्लास्टिक के खिलौने होते हैं ना जितने भी खिलौने होते हैं जो मिनिमम आरपीएम पे जाते हैं वहां जो साफ्ट लगा होता है ना वो ऐसे ही प्लास्टिक का एक होल होता है उसमें लगा देते हैं ना जो छोटे मोटे खिलौने जो आप देखते हो जिसमें ऐसे चाबी घुमा घुमा के छोड़ देते हैं और भागता है उसमें हम लोग क्या करते हैं आज भी हम लोग होल के अंदर साफ लगा के छोड़ देते ना अब मैं आपसे पूछने वाला जब ऐसा हुआ तो हुआ क्या ज्यादा एरिया का तो हीट का जनरेशन क्या हो गया बेटा जब ज्यादा एरिया का कॉन्टेक्ट तो हीट जनरेशन क्या हो गया बेटा हीट जनरेशन बहुत ज्यादा वेरी वेरी एक्सट्रीम 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 हीट का जनरेशन बहुत ज्यादा हुआ जिससे हमारा साफ्ट क्या हुआ खराब होना शुरू हो गया आपने प्रोडक्शन एक वर्ड सुना होगा बिल्ट अप एज आपने प्रोडक्शन वर्ड सुना होगा बिल्ट अप एज आपने एक वर्ड सुना होगा बिल्ट अप एज आपने एक वर्ड सुना होगा बिल्ट अप एज ये क्या होता है सर बिल्ट अप एज क्या होता है कि जब जब साफ्ट हीट जनरेट होता है तो वहां क्या होता है मेटल का आपस में स्टिकिंग एक्शन होने शुरू हो जाता है मेटल पिघलना शुरू होता है तो स्टिकिंग होता है स्टिकिंग होने के साथ साथ ये इधर उधर करते 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 एक समय आएगा एक समय आएगा जब जैमिंग कंडीशन आ जाएगी बोलो या ना एक समय आएगा जब जैमिंग कंडीशन आ जाएगी या ना उस समय होल भी खराब हो चुका होगा साफ्ट भी खराब हो चुका होगा बोलो या ना उस समय होल भी खराब हो चुका होगा और साफ्ट खराब हो चुका होगा बोलो या ना यस मेरे प्यारे भाई यहां दिमाग लगाया गया कि करें क्या करें क्या करें क्या सब समझ में आया यार कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया है उसकी वजह से हीट जनरेशन बढ़ रहा है कि आपको तो पता ही है कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ने से हीट जनरेशन तो आपको पता ही है क्या सर क्या पता है अरे बाबा आपने हीट एंड मास ट्रांसफर नाम का सब्जेक्ट पढ़ा है हाँ सर पढ़ा है आपने क्या पढ़ा है अच्छा कंडक्शन कंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है के ए डी टी अपॉन डीएक्स कंडक्शन अच्छा कन्वेक्शन का सर Q इजल टू एच ए डेल्टा टी अच्छा रेडिएशन का सर Q इज इक्वल टू सिगमा ए टी के पावर फोर अदरा ध्यान से मेरी बात को देखो अदरा ध्यान से मेरी बातों को देखो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हीट का जनरेशन कंडक्शन हो कन्वेक्शन हो रेडिएशन हो पूरा एच चिल्ला चिल्ला के बताता है आपको कि हीट का जनरेशन एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चिल्ला चिल्ला के बताया हीट का जनरेशन कंडक्शन हो कन्वेक्शन हो रेडिएशन हो आई डोंट नो मेरे को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो आप कुछ भी कर रहे हो जैसे किसी ने कहा कि सर हम लुब्रिकेंट यूज कर लेंगे हम इसके अंदर लुब्रिकेंट भर देंगे तो नहीं होगा भाई कन्वेक्शन सर अगर लुब्रिकेंट ना भरें भाई कंडक्शन मेरी बात समझ में आया रेडिएशन नहीं देखने को मिलता कंडक्शन कन्वेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट जिसके कारण क्या होता है वो चिपकना शुरू कर जाता है ना मेरे प्यारे भाइयों अब, अब ना, 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 ना। वहां तो लोड ज्यादा होगा है ना समझो मेरी बात वहां ज्यादा होगा नहीं ज्यादा लेने की कैपेसिटी होगी जैसे मान लो तुम आ, चार दिन तुमको छोड़ दिया जाए जाओ गोवा के बीच पे घूम के आओ जाओ आ, कहीं मतलब आराम से मुंबई के बीच में घूम के आओ कहीं भी जाओ ठीक ना उसके बाद तुम रिलैक्स हो जाओ एकदम कूल माइंडेड एकदम रिलैक्स रहो जैसे एम एस धोनी जी ठीक ना क्या है भाई रिलैक्स है अब वो रिलैक्स है कूल माइंडेड है तो उनको तो कितना भी लोड दे दो आराम से काम करेंगे अरे आओ आराम से करते हैं तो वही बात मैंने यहां यहाँ कहने का वही मतलब है जब स्ट्रेस सिस्टम पे कम होगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी अपने आप तुम देते रहो कोई दिक्कत नहीं समझे

देखना चिंटू भागता हुआ गया एक बढ़िया सा सिस्टम बना के लाया ठीक ना समझिएगा ध्यान से चिंटू भागता हुआ गया बढ़िया सा सिस्टम बना के लाया ठीक ना वो बढ़िया सा सिस्टम क्या था आप देखिए चिंटू ने कहा सर एक इनर रेस होगा एक आउटर रेस होगा मैंने कहा अच्छा एक इनर रेस होगा एक आउटर रेस होगा समझे चिंटू कहता सर एक इनर रेस होगा एक आउटर रेस होगा और बीच में होगा बॉल मैंने कहा कह रहा सर बॉल मैं को के तब समझना मेरी बात समझना मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझना कहानी सुना रहा हूं पढ़ा नहीं रहा हूं फिर से बोल रहा हूं मैं ठीक है ना दिस इज द आउटर रेस एंड दिस वन इज द इनर रेस देखो मैंने बोल दिया था कोई भी आप फिक्स कर सकते हो कोई भी मूव कर सकता है एक होता है इनर रेस एक होता है आउटर रेस ध्यान रखना बॉल सर ये रियल में कैसा होता है sir, ये hota, बेटा ये ऐसा होता है देख लो ध्यान से रियल में कैसा होता है सर बेटा रियल में ऐसा होता है देख लो ध्यान से दिस वन इज द आउटर रेस दिस वन इज द इनर रेस एंड बीच में है बॉल बीच में ये जो लगा हुआ है ना दिस इज केज कंटेनर कहते हैं रिटेनर कहते हैं ना यू कैन सी दिस भी बताऊंगा इसके बारे में सो so, ये बॉल आ गया मैंने कहा अच्छा आओ देखते हैं इनर रेस्ट आउटर रेस्ट बॉल मैंने कहा चिंटू एक चीज बताओ ये क्या हो कहता सर मैंने ना कांटेक्ट एरिया कम कर दिया मैंने चिंटू किए क्या होता कहता सर मैंने कांटेक्ट एरिया जो है ना कम कर दिया मैंने कहा क्या किया है कह रहा सर देखो ना बॉल का पॉइंट कांटेक्ट होगा कैसा कांटेक्ट हुआ कैसा कांटेक्ट हुआ डियर पॉइंट कांटेक्ट हुआ अगर पॉइंट कांटेक्ट हुआ तो एरिया क्या हो गया कम हो गया बड़ी चिंता की बात आ गई मैंने कहा क्या हुआ अरे यार स्ट्रेस बराबर लोड ओवर एरिया देखने को मिलता है ये चिंटुआ ने तो गया एरिया कम करे आया जाके एरिया कम कराया मैंने कहा एरिया कम हो गया स्ट्रेस बढ़ जाएगा बहुत टेंशन की बात थी कि स्ट्रेस बढ़ जाएगा जब स्ट्रेस बढ़ जाएगा जब स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी के जो होगी लोड कैपेसिटी जो होगी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी जब मैंने चिंटू को यह बात बोला चिंटू कहता है देखो बात तो आपकी सही है बट 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 अगर मैं बॉल का मटेरियल अगर मैं बॉल का मटेरियल लेटा सपोज मैं स्टील बॉल लू लेटस्ट सपोज मैं स्टील बॉल लू तो डिजाइन करते समय स्टील बॉल का आप जानते हो कंप्रेस हो रहा है बल्क जानते हो शियरिंग होगा शेयर मॉड्यूल जानते हो कितना खतरनाक होता है तो सर आप टेंशन मत लो आप गियर पुली जो भी चढ़ाना चाहो चढ़ा सकते हो बिकॉज हम भले लोड कैरिंग कैपेसिटी के कम देख रहे हैं लेकिन हम ये लोड कैरिंग कैपेसिटी के थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं कैसे इंप्रूव कर सकते हैं डियर मटेरियल के द हेल्प ऑफ मटेरियल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कैसे इंप्रूव कर सकते हैं डियर मटेरियल से लेकिन हम क्या कर सकते हैं बेटा मटेरियल अच्छा अच्छा ले सकते हैं जिस हिसाब से लोड लगेगा उस हिसाब को मटेरियल लेकर काम कर सकते हैं

कोई भी बॉल हो मैं ये कह रहा हूं कोई भी बॉल हो स्ट्रेस तो लगेगा ही यस और नो कोई भी बॉल हो स्ट्रेस तो लगेगा ही जी सर बड़ी चिंता की बात थी तो ये बोला क्या चिंटू एक काम करो कुछ ऐसा सोचो समझने की कोशिश करना चिंटू कहा गया कुछ ऐसा सोचो जिसमें कॉन्टेक्ट एरिया थोड़ा सा बढ़ जाए कहता है, सर ऐसा नहीं होगा कहता क्या कहता सर ऐसा नहीं होगा आपने जो ये कहा था बनाने मैंने बना दिया है रीजन यहां एरिया ज्यादा कॉन्टेक्ट में है यह सिस्टम क्या है लोअर पेयर है और आपको पता है लोअर पेयर को सिर्फ एक पेयर रिप्लेस कर सकता उसका नाम है हाइयर पेयर देख लो क्या कॉन्टेक्ट में हायर पेयर जिसका नाम है पॉइंट कॉन्टेक्ट ना मेरे बच्चे समझने की कोशिश करो तो चिंटू को यह बात ऑर्डर दिया गया कि कॉन्टेक्ट एरिया को थोड़ा सा इंप्रूव कर दो और ध्यान रखना हाइयर पेयर ही रहे ध्यान रखना कौन सा पेयर रहे कौन सा पेयर रहे ध्यान रखना हायर पेयर ही रहे चिंटू को ये ऑर्डर दिया कि कुछ भी हो याद रखना पॉइंट कांटेक्ट जो भी है पॉइंट कांटेक्ट लाइन कांटेक्ट दो टाइप का होता है हायर पेयर ही रहे चिंटू बोला हाँ सर पॉसिबल है बाद में बोला हा सर पॉसिबल है तो बोला कैसे पॉसिबल है कहता सर देखो आप हायर पेयर बोल रहे हो पॉइंट कॉन्टेक्ट भी होता है और हायर पेयर लाइन कॉन्टेक्ट भी होता है हायर पेयर एक और पेयर होता है हायर पेयर जो होता है हायर पेयर जो होता है सर ये लाइन कांटेक्ट भी होता है ये लाइन कांटेक्ट भी होता है सर माय डियर फ्रेंड अब लाइन कांटेक्ट वाला कौन सा लेकर आए सर लाइन कांटेक्ट के लिए चिंटू ने क्या करा इस स्फेरिकल बॉल को जो ये स्फेरिकल बॉल्स लगे हुए हैं ना इसको रोलर्स में कन्वर्ट कर दिया कैसे कन्वर्ट किया रोलर में रोलर मतलब अरे रोलर मतलब लाइक दिस कुछ भी हो सकता है एनी थिंक आप ये जैसे देख रहे हो मेरा पेन पेन क्या एक रोलर है सिलेंडर है सिलेंडर जिसका एक सर्किल है इसका एक, इसका एक डाया, इसका एक लेकर है। है? ले आ गया चिंटू चिंटू सेम टू तो सेम चीज उठाकर लेकर आ गया ठीक है चिंटू सेम टू तो सेम चीज उठाकर लेकर आ गया जब लोगों ने पूछा कि भाई चिंटू ये तुमने क्या लाया ये क्या लेकर आए हो कहता है सर यहां मैं अब रोलर लगा के लेकर आया हूं कहता कैसा दिख रहा होगा तुमने कहा चलो दिखाते हैं तुम तो देखो देखो कैसा दिख रहा होगा देखो कैसा दिख रहा होगा दिस वन इज रोलर्स जिसका डाया उसका लेंथ है बोलो हाँ या ना चिंटू भागता हुआ गया चिंटू कहता मैं अब रोलर बनाऊंगा जाके रोलर लगा आया देखे जिसका डाया भी इसका लेंथ भी है लेकिन सामने से वो सर्किल दिखेगा सामने से सा तो ही देखेगा बट उसका डाया भी उसका लेंथ भी इज दैट क्लियर एक बार बताओगे क्या इतनी बात तुम लोगों को क्लियर है कमेंट बॉक्स में बवाल मचा दो अगर क्लियर है तो ठीक है चिंटू भागता हुआ गया कहता है कि सर ये बन गया, ले लिये हम भी बहुत खुश थे ठीक है ना सुनिएगा ध्यान से बस चिंटू जब बना के लेकर आया बड़ी खुशी की बात थी ठीक है तो ये जो है यहां बेटा बॉल्स ठीक है ना यहाँ क्या है बेटा ये बॉल ए, यहां क्या है बेटा ये है ध्यान रखिएगा ये सब क्या है, ये है। अगर ये रोलर्स हैं डियर यू कैन सी दिस अगर ये रोलर्स हैं इनका मतलब इनका एक डाया होगा इनका एक वो होगा लेंथ होगा चिंटू कहता है सर आ जाओ क्या हुआ चिंटू सर कांटेक्ट एरिया कॉन्टेक्ट एरिया थोड़ा सा बढ़ गया थोड़ा सा बढ़ा तो एक एरो ज्यादा बढ़ गया तो तीन एरो था याद रखना ठीक है कम हुआ ये कैन सी दिस कॉन्टेक्ट एरिया थोड़ा सा बढ़ा है।, है अभी भी कम थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है पीछे वाले से थोड़ा सा इंप्रूव हो गया अच्छा तो स्ट्रेस बराबर जो लोड अपॉन एरिया था अगर कॉन्टेक्ट एरिया थोड़ा सा तुमने इंप्रूव किया है इसका मतलब स्ट्रेस इस थोड़ा सा कम होगा थोड़ा सा कम होगा स्ट्रेस कम होगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होगी लोड कैपेसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है सर लोड कैपेसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी मेरी बात समझ में आई क्लियर है इतनी बात लोड कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी क्लियर है के बात लोड कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी जी सर चिंटू बोला कि सर यहाँ कॉन्टेक्ट एरिया थोड़ा सा ज्यादा है अच्छा, तो बोला कि इसमें क्या लगाए हो तुमने कहता सर हमने इसके अंदर रोलर लगाया है ये क्या है बेटा दिस वन इज रोलर अच्छा रोलर लगाए हो लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छी बात है हीट का जनरेशन हो रहा है अभी भी ऐसा नहीं है हीट जनरेशन नहीं हो रहा हीट जनरेशन जो हो रहा है वो अभी मिनिमम पे है मतलब ज्यादा नहीं है क्योंकि एरिया कम हीट जनरेशन कम हीट जनरेशन जो है आपका हीट जनरेशन जो है आपका वो क्या हो चुका है दोनों केस में मिनिमम हो चुका है हम बहुत खुश थे तो जब ये दोनों चिंटू लेकर आया तो चिंटू से मैंने पूछा चिंटू तुमने इस वाले में क्या यूज किया कह रहा बॉल मैंने कहा ठीक तुमने इसके अंदर यूज किया बॉल और आज से इतिहास में इसको जाना जाएगा बॉल बियरिंग के नाम से ठीक है ना बियरिंग बियर वर्ड का क्या मतलब बियर वर्ड का मतलब है अपने ऊपर लोड बियर करना अपने ऊपर लोड बियर करना बियर वर्ड जैसे क्रसिंग को हम लोग बियरिंग क्यों बोलते हैं क्योंकि क्रस करते हैं दबाते हैं और यहां बॉल के ऊपर क्या लग रहा है दबी तो रहा है बॉल दोनों साइड से क्या हो रहा है क्या हो रहा है तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया बॉल बियरिंग अच्छा मैंने जब चिंटू से पूछा तो हमने क्या यूज किया कहता है रोलर मैंने कहा लो से इसका नाम पड़ गया रोलर बियरिंग ठीक है फिर मैंने चिंटू से पूछा कहता क्या क्या सर मैंने कहा चिंटू ये बताओ तुम्हारा बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग जो है ये दोनों ये दोनों कैसा मोशन कर रहा है तो फिर चिंटू कहता है कि सर ये दोनों मोशन कर रहा है रोलिंग मोशन मैंने कहा अच्छा कहता है हाँ सर रोलिंग मोशन कर रहा है इसलिए इसका नाम रख दिया रोलिंग मोशन करते हुए ये लोग कांटेक्ट करते हैं ये लोग रोलिंग मोशन करते हुए कांटेक्ट करते हैं इसलिए रोलिंग कांटेक्ट बियरिंग और उसी के अंदर हम लोगों ने क्या किया उसी के अंदर हम लोगों ने इसके दो पार्ट को डिराइव कर बोला हमने बोला एक है बॉल बियरिंग और दूसरे का नाम रख दिया रोलर बियरिंग का नाम रखा बॉल बियरिंग का नाम रख दिया रोलर लेकिन हम इतना खुश थे ही तब तक मैं चिंटू कहता है सर 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 मैंने कहा क्या हुआ कहता है सर ये बताओ जब हमारा ये वाला कहानी चल रहा था जहां हीट का जनरेशन इतना ज्यादा हो रहा था जैमिंग कंडीशन था कहता है, हाँ तो सर जब इतना ज्यादा जाम हो रहा था मतलब फ्रिक्शन क्या हो रहा था मैंने पूछा चिंटू ने पूछा सर फ्रिक्शन का क्या प्रोस था ये बताइए मैंने कहा फ्रिक्शन अपने चरम सीमा पे था मैक्सिमम था फ्रिक्शन क्या था मैंने कहा फ्रिक्शन मैक्सिमम था कहते सर ये बताओ अब अब क्या हो गया फ्रिक्शन कह रहे सर फ्रिक्शन कम हो गया हमने कहा अच्छा मैंने कहा अब क्या हो गया फ्रिक्शन तो क्या फ्रिक्शन कम हो गया अच्छा तो चिंटू मेरे से बोलता है सर बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग दोनों में फ्रिक्शन कम हुआ हमने कहा हाँ कह मैंने चिंटू से पूछा चिंटू फ्रिक्शन खत्म तो नहीं हुआ कहता हाँ सर फ्रिक्शन खत्म नहीं हुआ ठीक ना लेकिन कम हुआ है मैंने कहा अच्छा तो एक काम करते हैं चिंटू तुमने तो एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया कहता क्या सर सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा चिंटू से मैंने पूछा है काम करते हैं कह, क्या क्या मैंने कहा आज से इतिहास में आज इतिहास में एक और नाम कहा जाएगा रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग का इसका नाम होगा इसका नाम होगा यहां लिख इसका नाम होगा एंटी क्योंकि फ्रिक्शन कम किया ना एंटी फ्रिक्शन बियरिंग अब हुआ क्या हमने ये नाम लिख कर दिया हमने ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग नाम क्या लिख दिया लोगों ने तो इसका नाम ही गलत समझ लिया हमने तो ये चिंटू के बस कह दो तो चिंटू के बोलने पे ये नाम क्या लिख दिया लोगों ने तो इसका नाम ही गलत समझ लिया लोग कहते हैं इसके अंदर फ्रिक्शन ही नहीं होता इसलिए नाम एंटी फ्रिक्शन है अरे नहीं रे बाबा उस समय साफ होल के अंदर जाता था वहां खतरनाक फ्रिक्शन होता था वहां से एकाएक फ्रिक्शन इतना कम हुआ हमने इसका नाम रख दिया एंटी फ्रिक्शन बियर ऐसा नहीं है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में फ्रिक्शन जीरो होता है ऐसा नहीं है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का नाम से पढ़ के बताओ फ्रिक्शन है ही नहीं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना ध्यान रखना फ्रिक्शन होता है दोनों में फ्रिक्शन दोनों में होता है बॉल बियरिंग हो चाहे रोलर बियरिंग हो इसका नाम इसके कंपेरिजन में रखा गया था जहां फ्रिक्शन बहुत खतरनाक होता था फ्रिक्शन बहुत खतरनाक होता था एरिया ज्यादा कॉन्टेक्ट होता था यहां भी हमें फ्रिक्शन मिलता है इसीलिए ठीक है ना ध्यान रखिएगा बस चिंटू के कह रहे हो ना चिंटू की बात कहने पर हमने क्या नाम रख दिया एंटी फ्रिक्शन बियरिंग अरे हिस्ट्री खत्म कहा हो या? अभी तो शुरू हुआ है अभी तो बियरिंग शुरू हुआ है मेरे भाई अभी कहा खत्म हुआ है अभी सुनते जाओ तुम अच्छा इसका नाम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग पड़ गया जैसे लोग कहते हैं ना जैसे लोग कहते हैं ना मेरे बच्चों जैसे लोग लो कहते हैं ना कि एच एस एस अच्छा एच एस एस का कोई फुल 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 बताएगा सर मैं बता देता हूं हाई स्पीड स्टील मैंने कहा अच्छा इसकी स्पीड कितनी होती है तो चिंटू बोला सर मीटर पर मिनट मैंने कहा अच्छा अब चिंटू जरा सिरेमिक का बताओ तो चिंटू बोलेगा सिरेमिक का सर होता है सिरेमिक का तीन सौ मीटर पर मिनट ठीक ना तीन सौ मीटर कट कर सकता है सिरेमिक टूल सिरेमिक से बना हुआ टूल तीन सौ मीटर काट सकता है और एच एस एस से तीस मीटर काट सकता है अब बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है सिरेमिक की, की हाई स्पीड की सर सिरेमिक की तो फिर इसका नाम हाई स्पीड स्टील क्यों है अरे सर जब ये बना था ना 1930 में 1930 ईस्वी में बना था इसे याद रखो कि 30 मीटर पर है। मेरे को ऐसा ही याद रहता है 1930 में जब ये बना था ना हाई स्पीड स्टील उस समय 1930 में ये बना 1970 में आपका बना कार्बाइड उससे आपको याद रहेगा 70 के आसपास आपको ठीक है ना तो सिरेमिक का स्पीड तो हाई स्पीड स्टील जो था ना वो उस जब बना था उस समय का सबसे बहुत फास्ट चलने वाला टूल था बोल सकते हो बहुत हाई स्पीड में कट लेने वाला टूल था इसीलिए इसका नाम उस समय हाई स्पीड स्टील रख दिया गया लेकिन ऐसे ही इसका नाम एंटी फ्रिक्शन इसीलिए उसी समय रखा गया ध्यान रखिएगा समझ में आई मेरी बात समझ में आई मेरी बात एक बार बताओ सब सच ठीक है ना तो जरूरी नहीं है कि नाम से ही तुम पकड़ ले लो अच्छा उसका नाम आ, आ, मान लो मैं हम लोग ऐसे बोलते हैं राम भगवान हम लोग कहेंगे न, जरूरी नहीं ना उसका नाम राम है तो राम के जैसे काम करेगा उसका नाम रहीम है तो रहीम की तरह काम करेगा उसका नाम आ, क्या कहते हैं समथिंग है तो समथिंग की तरह काम करेगा किसी की तरह ऐसा थोड़ी ना नाम रख देने से कुछ भी हो जाए नाम जो रखा गया वो उस जमाने में अपना फेमस आदमी था इसलिए नाम रख दिया गया समझ तो में आया ना अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कहूंगा अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कहूंगा मेरे बच्चे ध्यान सुनना सर क्या आप सेटिस्फाइड हो नहीं मैं नहीं हूं <डिस्फाइड> अच्छा इंसान की आइडियल इच्छा क्या होती है इन्सा... हाँ अच्छा बड़ा अच्छा लाइन बोला तुमने गौर किया तुमने कुछ गौर किया मैंने एक अच्छा वर्ड बोला इंसान की इच्छा मैंने क्या बोला इंसान की इच्छा को आइडियल इच्छा इंसान की इच्छा क्या होती है आइडियल इच्छा होती है ठीक है ना आइडियल इच्छा होती है मतलब जो चाहूं वो पूरा हो जाए मैं बोलूं मैं कल मैं कल को कर तरोड़पति बन जाऊं तो कल सुबह उठते ही बन जाऊं मैं चाहूं सुबह सो के उठूं मेरे हाथ में यूपीएससी का बस कॉल लेटर हो आ जाओ नहीं ना सुबह सोकर उठूं अच्छा गेट में आप टॉप रैंक कर चुके हो इंसान की इच्छा आइडियल इच्छा बिना मेहनत के सब कुछ पाने की इच्छा सुनिएगा ध्यान से अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से अब मेरी बातों को थोड़ा फोकस करना इंसान की इच्छा आइडियल इच्छा आइडियल इच्छा क्या है मेरे बच्चे थोड़ी सी आइडियल इच्छा पे भी चर्चा कर लीजिए आइडियल इच्छा सर फ्रिक्शन जीरो हो जाए इंसान की आइडियल इच्छा क्या है फ्रिक्शन जीरो हो जाए लोड कैपेसिटी वेरी हाई ठीक है ना लोड कैपेसिटी क्या हो जाए वेरी हाई हो जाए

कहता सर देखो इच्छा पूरी तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूं मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इससे कम फ्रिक्शन दिखेगा अगर इसमें समथिंग फ्रिक्शन हो रहा है ना तो इससे भी कम फ्रिक्शन दिखेगा क्या कैसे कहता सर देखो समझो समझो सर समझो कहता कैसे समझे भाई देखो ध्यान से कह भाई फ्रिक्शन जीरो करना है इंसान की आइडियल इच्छा ये ना फ्रिक्शन जीरो हो जाए फ्रिक्शन जीरो कब होगा सिस्टम नो कांटेक्ट। सिस्टम के बीच में कोई कांटेक्ट ना हो कहते क्या बात कर रहे हां सर सिस्टम के बीच में कोई कांटेक्ट ना हो कह रहा कैसे पॉसिबल है कहते, सर देखो ऐसा कुछ करना है कि जैसे ये हमारा आउटर रेस है और ये हमारा इनर रेस है बस सिस्टम के बीच में कांटेक्ट ना हो ये हमारी आइडियल इच्छा है चारों तरफ से बराबर मात्रा में फ्लूड भरा हो सॉरी चारों तरफ कुछ ना भरा हो इंसान की आइडियल इच्छा क्या है फ्रिक्शन जीरो कब हो सकता है जब एक सरफेस दूसरे सरफेस से कांटेक्ट में ही ना हो कोई भी लिंक कांटेक्ट में ना हो बोलने का मतलब है कि आपने रोलर कांटेक्ट किया आपने बॉल कांटेक्ट किया वो भी ना हो इंसान की आइडियल इच्छा तभी पूरी हो सकती है सर नो कॉन्टेक्ट अब बॉस बोलता है भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कौन कौन आदमी आके पकड़ेगा इसको और मान लो हवा में मैंने इसको लटका भी दिया मान लो हवा में मैंने इसको लटका भी दिया तो मेरे भाई ये बता हवा में अगर ये लटकेगा तो इस पर लोड कैसे चढ़ेगा अगर तूने मान लो ये कर भी दिया तो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे हाई होगा क्या अभी बताता हूं सारा जुगाड़ है मेरे पास मैंने कहा अच्छा क्या तो कहता सर कुछ नहीं करेंगे फ्रिक्शन जीरो तो नहीं होगा सर चाहे जो कर लो फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा चाहे जो कर लो कहता अच्छा सर एक काम करेंगे हम लोग एक आउटर रेस लेंगे लेट अस सपोज आउटर रेस हमारा फिक्स और ये एक इनर रेस लेंगे इनर रेस जो है ना इसके ऊपर ऐसे 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 जैसे ये घूम रहा है ना बेटा ऐसे 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 स्लाइड करता रहेगा ऐसे 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 स्लाइड करता रहेगा देखते रहो तो बॉस बोला अरे ऐसे कैसे स्लाइड करे सर कहता क्या सर हम इसके अंदर ना सर हम इसके अंदर ना आज ब्लू है पानी, पानी 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 क्या पानी भर देंगे अरे नहीं पगलू हो क्या पानी थोड़ी ना भरेंगे सुनो इसके अंदर क्या भर देंगे अरे बाबा लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट लुबरी के इसके अंदर क्या भरेंगे लुबरी कैंट सर लुबरी कैंट का नाम अरे लुबरी कैंट कौन सा भरेंगे तुम लोग बताओ लुबरी कैंट कौन सा भरेंगे जो हाई डेंसिटी समझना लुबरी कैंट कौन सा भरेंगे क्या हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन अरे तुम ज्यादा ही समझदार हो हम तुमसे बात कम करेंगे अभी अभी हम तुमसे थोड़ा कम बात करेंगे बेटा ठीक है ना जो कम समझदार है, पहले हम उससे बात करेंगे क्लास में जो सबसे ज्यादा कमजोर है ना मैं उसकी तरह पढ़ाऊंगा ठीक ना? देखो एक होता है टॉपर एक होता है जीरो अब तुम बताओ मैं किसकी तरह पढ़ाऊ इसकी तरह पढ़ाऊ इसकी तरह पढ़ाऊंगा सिर्फ एक या दो तीन चार पांच बच्चे क्लास में बैठेंगे ना मैं किसकी तरह पढ़ाऊंगा इसकी तरह पढ़ाऊंगा मैं अपना डिजाइन इसकी तरह करूंगा सबको समझ में आएगा ठीक है ना टॉपर थोड़ा इंतजार करेगा और ध्यान से समझेगा सर लुब्रिकेंट कौन सा भरेंगे अब बात आ गई बात आ गई एकदम कहते इमेज में बात आ गई कि सर लुब्रिकेंट कौन सा भरेंगे अब जिसका विस्कोषी ज्यादा हो जिसका विस्कोषी ज्यादा हो अच्छा विस्कोष्टी क्यों कहा मैंने कई लोग विस्कोस्टी का मतलब समझते हैं गाढ़ापन लोग बोलते हैं कि मरकरी का विस्कोस्टी ज्यादा होगा है ना क्योंकि मरकरी ज्यादा गाढ़ा है मरकरी की डेंसिटी तेरह हजार छह सौ है बट मेरी एफएम की क्लास में आकर देखो तो मैं सच्चाई बताता हूं क्या होता है है ना मरकरी का विस्कोस्टी होता है टू इंटू पावर मतलब जीरो जीरो टू। इतना होता है मरकरी का विस्कोस्ट क्या बात कर विस्कोस्टी ऑलवेज शोज बॉन्डिंग रजिस्टेंस विस्कोस्टी ऑलवेज शोज बॉन्डिंग रजिस्टेंस नॉट गाढ़ापन गाढ़ापन अपने आप हो जाएगा तो ठीक है जरूरी नहीं है कि, कि किसी का डेंसिटी ज्यादा हो तो उसकी विस्कोस्टी ज्यादा होगी नो no. ठीक है ना सबसे ज्यादा विस्कोस्टी जो देखा गया वो आपका ग्लिसरीन में वन पॉइंट फाइव पासकल अदरवाइज आप कितने भी क्वेश्चन देखो आपको पॉइंट एट सिक्स पॉइंट टू थ्री कभी भी आपने सॉरी पास्कल सेकेंड मैंने पास्कल ही बोला था कभी भी आपने विस्कोस्टी को ऐसा देखा है किसी भी एफ के क्वेश्चन में कि ट्वेल्व पॉइंट फाइव पास्कल सेकेंड नो भले यूनिट कम करके थोड़ा सा इधर लिख दिया हो बट ऐसा नहीं है पास्कल सेकेंड में 1.52 इससे ज्यादा नहीं जाएगा नहीं जाएगा मैं बस ये कहूंगा तो जिसकी ज्यादा विस्कोस्टिव विस्कोस्टी क्यों सर बॉन्डिंग रेजिस्टेंस ज्यादा हो फूड के अंदर तो ऐसे फ्लूड जो होते हैं मेरे भाई कोई बच्चा अगर ऑटोमोबाइल का है इस क्लास में तो मैं उसको बताना चाहूंगा ऐसे फ्लूड जो होते हैं वो ये होते हैं एस एक्स या एस एटी -E अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये क्या है चलो बता देता हूँ जो ये लुब्रिकेंट के नाम है ठीक है ना एस एट एस एटी अब मैं आपको बताता हूं एस का मतलब क्या है मेरे बच्चे सुनो ध्यान से एस का मतलब है जैसे आप कहते हैं ना सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ठीक है न, ना लिखने क्या मतलब है बस समझो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स Society of Automobile Engineers, SAE. 46 is the grade of the oil. And this one is grade. Society. Automobile. Engineers. सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स और ये जो हमारा ग्रेड शो करता है तो एस 46 या एस एटी ठीक है समझने की कोशिश कीजिएगा एस 46 या एस एटी लुब्रिकेंट लेकर आएंगे इसके अंदर डालेंगे और मस्त तरीके से चलाएंगे अब बात यहां एक आती है चिंटू ने बोला सर मैंने कहा क्या सर ये आउटर रेस है ये इनर रेस है कहता, अच्छा इनर रेस इसका नाम बाद में जाके जनरल बोलेंगे जॉन जौ, जॉन रल है ना जैसे बंगाली में बोलेंगे जर्नल जनरल ना बोलेंगे जर्नल बोलेंगे ध्यान रखिएगा फिर ध्यान रखना तो ये इसके अंदर जाएगा मेरे बच्चे आइए इसके अंदर क्या करेगा रोटेट चिंटू का बॉस बोलता है भाई लोड कैरिंग कैपेसिटी के का कुछ सोचा है कि बस फ्रिक्शन ही खत्म करना है कह रहा सोचा है ना सर कैसे सोचा है कमेंट का आंसर अभी थोड़ी देर में करूंगा आप लोग जितना भी कमेंट करो आई रिक्वेस्ट थोड़ी देर में आप सभी का आंसर आएगा जस्ट वेट बस ध्यान से तुम लोग देखते रहो कहानी पूरी कर लू अपनी कहानी के बीच में टोको मत ठीक है देखो ध्यान से तो सर लोड कैरिंग कैपेसिटी के इंक्रीज कैसे होगा बॉस बोला लोड कैरिंग कैपेसिटी के का कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है कहता सर सोचा है ना तो क्या सोचा है भाई सर लोड कैरिंग कैपेसिटी के कैसे कराएंगे अभी आपको बताते हैं अभी लीजिए आप सर सर्वप्रथम ये जो हमारा बॉल आपको दिख रहा है ये हमारा जो साफ्ट दिख रहा है जब लुब्रिकेंट नहीं भरा होगा ये साफ्ट होल के साथ नीचे बैठा होगा ठीक है ना ये साफ्ट है और ये होल है मतलब मतलब हम पहुंच गए अपने पहले से उसी दुनिया में हम उसी दुनिया में वापस पहुंच गए बट इस बार हम थोड़ा दिमाग लगा के चलेंगे ठीक है ना साफ्ट हो रहे है। सर साफ्ट बहुत भारी होता है कहा तो सर साफ्ट होल पे जाके ऐसे बैठ जाएगा और जब स्पीड बढ़ाएंगे सुनिएगा घूमता रहेगा और जब ये घूमेगा मेरे बच्चे अंदर क्या भरा है सर लुब्रिकेंट मतलब फ्लूड भरा है फ्लूड के अंदर जब ये रोटेट करेगा अब एक छोटी सी बात बताओ तुम जब भी कपड़ा धोने के लिए पानी के अंदर सर्फ डालते हो और उसको घोलते हो घुमाते हो समझने की कोशिश करना सर्फ डाल के जब तुम उसको घुमाते हो तो ऐसा क्या होता है कि इस पानी जो है मतलब जो आपका टब होता है या आपका आपका बाल्टी होता है जो भी है आप पानी जो है उसके सरफेस पे ऊपर उठना शुरू हो जाता है वाई क्यों तो आप कहोगे सर उसके अंदर हम जब घुमाते हैं ना प्रेशर एनर्जी जनरेट होती है और उसके कारण ये धीरे 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 ऊपर उठना शुरू होता है ना मेरे बच्चे आप मेरी बात समझने की कोशिश करो ठीक है ना सुनने की कोशिश करो मेरे बच्चे कि जब ये इसके अंदर रोटेट करेगा तो फ्लूड के अंदर फ्लूड बोले तो लुब्रिकेंट फ्लूड के अंदर क्या होगा फ्लूड के अंदर क्या होगा सुनिएगा दे भाई जब ये इसके अंदर रोटेट करेगा समझना जब ये, ये इसके अंदर रोटेट करेगा तो फ्लूड के अंदर होगा वेजिंग एक्शन ये वेजिंग एक्शन क्या, क्या है अरे भाई डायनामिक एक्शन ये डायनामिक एक्शन क्या है अरे भाई डायनामिक एक्शन क्या मतलब क्या है वेजिंग एक्शन डायनामिक एक्शन प्रेशर जनरेट कर जाएगा वो फ्लूड उसके अंदर एक प्रेशर एनर्जी डेवलप करेगी जितना स्पीड में नचाओगे उतनी स्पीड में प्रेशर एनर्जी जनरेट करेगी बहुत हाई स्पीड में रोटेट करोगे बहुत हाई स्पीड में प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर जनरेट होगा तो साफ्ट को ना ये जो लुब्रिकेंट दिख रहा है ना ये साफ्ट को ऊपर की तरफ उठा देगा ये साफ्ट को ऊपर की तरफ उठा देगा और इनके बीच में ना वेरी 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 वेरी, 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 वेरी मिनिमम थिकनेस दिखाई देगा इन अ वेरी वेरी मिनिमम थिकनेस दिखाई देगा बहुत मिनिमम आपको तो ये बड़ा सा दिखा रहा हूं इसीलिए दिख रहा है बट दिस इज द वेरी वेरी मिनिमम पॉइंट टू फाइव एम एम भी बोल सकते हो पॉइंट टू फाइव एम एम का गैप आपको दिखाई देता है बस इतना ही क्लियरेंस होता है इससे ज्यादा क्लियरेंस नहीं होता ये लुब्रिकेंट के अंदर जो क्षमता होती है ना इसको ऐसे उठा देता है ठीक है ना तो ऐसे बियरिंग जिसके अंदर हाई टॉर्क का जनरेशन जरूरत हो सुनो पहली बात तो सुनो साफ्ट क्या कर रहा है साफ्ट रोटेट कर रहा है ठीक है साफ्ट क्या कर रहा है सर साफ्ट क्या कर रहा है लेटर हमारा साफ्ट है साफ्ट क्या कर रहा है सर साफ्ट विल स्लाइड साफ्ट क्या कर रहा है साफ्ट स्लाइड कर रहा है साफ्ट क्या कर रहा है साफ्ट होल के अंदर स्लाइड कर रहा है तो ऐसे बियरिंग को हमने नाम क्या दिया ऐसे बियरिंग को हमने नाम दिया ऐसे बियरिंग को हमने नाम दिया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग ऐसे बियरिंग को हमने नाम दिया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग ऐसे बियरिंग को हमने नाम दिया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग समझे मेरी बात ठीक है ना अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग स्लाइड कर रहा था तो अब मैंने आपको यहां एक चीज दिखाया कि एक समय आएगा जब साफ्ट और इसके बीच में बहुत कम गैप दिखेगा एक समय आएगा जब इनके बीच में बहुत कम गैप दिखेगा ठीक है ना इनके बीच में बहुत कम गैप दिखेगा ठीक है ना एक समय आएगा जब इनके बीच में बहुत कम गैप दिखेगा क्यों क्योंकि फ्लूड अपने वेजिंग एक्शन की वजह से सुनिएगा ध्यान से फ्लूड अपने फ्लूड फ्लूड अपने क्या होगा वेजिंग एक्शन वेजिंग एक्शन की वजह से साफ्ट को ऊपर कर देगा बोलो हाँ या ना और वेजिंग एक्शन बोले तो डायनामिक एक्शन ये कब आएगा जब हमारा साफ्ट जो है बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करेगा क्या वेरी हाई स्पीड में रोटेट करेगा जब हमारा साफ्ट क्या काम करेगा जब हमारा साफ्ट जब हमारा साफ्ट वेरी हाई स्पीड में रोटेट करेगा जब हमारा साफ्ट वेरी हाई स्पीड में रोटेट करेगा और वेरी हाई स्पीड में कब रोटेट करेगा जब हमारा टॉर्क कौन सा टॉर्क सर स्टार्टिंग टॉर्क जब हमारा स्टार्टिंग टॉर्क जो है बेटा मैं कहानी सुना रहा हूं पढ़ा नहीं रहा हूं ध्यान रखना है ना अभी पढ़ाऊंगा तो मैं एक एक पॉइंट को खींच खींच के लेकर आऊंगा स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होना चाहिए ठीक ना वेरी हाई स्पीड के लिए स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होना चाहिए इसीलिए 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 ऐसे बियरिंग को हमने बोला यू आर हाइड्रो बियरिंग यस ऐसे बियरिंग को हमने क्या बोला यू आर हाइड्रो बियरिंग अभी तो मैं सिर्फ कहानी सुना रहा पढ़ाऊंगा तब देखना क्या होगा अभी तो सिर्फ कहानी सुन रहे हो ठीक है ना सुनिएगा ध्यान से ठीक है ना देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चे ऐसे बियरिंग को हम लोग क्या कहते हैं

ऐसे बियरिंग जिसको हम क्या कहेंगे डायनामिक एक्शन जो वेरी हाई स्पीड में स्टार्टिंग टॉर्क चलेगा जब स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा मेरे बच्चे तो ये हाई लोड ले सकेगा इसकी हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी क्लियर क्लियर इतनी बात क्लियर है माइंड में थोड़ा थोड़ा डाल लो सारी बियरिंग होती क्या है उसके बाद सब पढ़ा दूंगा एक एक करके ना दिस वन इज द दाइड्रोडिक बियरिंग नाउ अब हुआ क्या अब इतने से भी मन नहीं भरा इंसान की आइडियल इच्छा क्या है इच्छा उसकी पूरी होती रहनी चाहिए कुछ देखता कहता यार इसमें ये ये ना ना होता ये होता तो ठीक समझे मेरी बात तुम कितना भी अच्छा कर लो तुम यूपीएससी ऑफिसर बन जाओ एक क्लास ऑफिसर बन जाओ फिर भी यार मिनिस्टर बन जाते तो अच्छे होते ठीक है ना मतलब इंसान की इच्छा कभी खत्म ही नहीं हो सकती ठीक है ना तो यहां यही बात हो गई आ सर अब क्या चाहिए कहता है यार एक चीज बताओ मेरे को बड़ा डर लग रहा है मैंने कहा क्या डर लग रहा है यार साफ्ट जो है ना होल से ये होल थोड़ा फिक्स होता है साफ्ट जो है ना होल से ना बहुत कम गैप पे है यार कहता है, हाँ सर कम गैप पे है इस गैप को हम लोग मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस कहते हैं हाँ सर बड़े कम गैप पे अरे यार कुछ जुगाड़ करो यार इसमें कुछ जुगाड़ करो साफ को ऊपर करो कहता सर कैसा चाहिए कह यार मेरा मन है कि हमारा जो होल है और साफ्ट है कुछ ऐसा करो जिसमें ज्यादा गैप आ जाए तो ज्यादा गैप चारों तरफ से कब आ सकता है जब दोनों कौन सेंट्रिक हो जब दोनों क्या हो कौन सेंट्रिक हो और यहां क्या है ई सेंट्रिक है इसका सेंटर अलग है ठीक है ना इसका सेंटर अलग है और इसका सेंटर अलग है दोनों ई सेंट्रिक है दोनों का गैप है दोनों का अलग अलग सेंटर है कुछ ऐसा करो जहां दोनों का सेंटर एक जैसा हो जाए कहता सर 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 हो सकता है कहता कैसे हो सकता है बताओ सर देखो इसके चारों ओर क्या भरा है कहता इसके चारों ओर भरा है हमारा फ्लूड कह रहा फ्लूड के अंदर क्या हो सकता है कह रहा सर हाई विस्कोसिटी तो बॉस बोलता है क्या करने वाले हो क्या लुब्रिकेंट तुम चेंज करने वाले हो कहता है ना रे बाबा ना लुब्रिकेंट चेंज करने पे इतनी कैपेसिटी नहीं है इतना हिम्मत नहीं है लुब्रिकेंट के अंदर कि वो साफ्ट को बीच में लाकर खड़ा कर दे इतना खतरनाक लुब्रिकेंट भी नहीं है इस दुनिया में कोई ठीक है ना जो साफ्ट को बीच में लाकर कर दे ठीक है ना सुनिएगा ध्यान से सबसे खतरनाक लुब्रिकेंट कौन सा है इस दुनिया का बताओ मैकेनिकल इंजीनियर हो ना बताओ प्रोडक्शन पढ़े हो ना बताओ खतरनाक लुब्रिकेंट कौन सा है इस दुनिया में सबसे खतरनाक लुब्रिकेंट कौन सा है इस दुनिया का सबसे भयंकर वाला तुम बताओ आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं अच्छा अब डायनामिक क्यों का मतलब क्लियर कर देता हूं वेट करो चलो आप पहले डायनामिक क्यों का मतलब क्लियर करते हैं डायनामिक एक्शन इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि तो यहां मोशन भी होता है और फ्लूड को धक्का भी देता है मैं कह रहा हूं तुमको लगा दिया जाए और तुम्हारे सामने बहुत सारे फ्लूड भर दिया जाए मतलब मान लो तुम स्विमिंग पूल में उतरे हो और तुमको स्विमिंग पूल में दौड़ लगानी है या स्विमिंग करना है ठीक है ना अब तुम बताओ तुम पानी को धकेलते हुए मोशन करते हो कि पानी पर पानी को कहते हो भाई हे पानी देवता हे जल देवता आप हमें आगे लेके आगे की ओर अग्रसर करें आप ऐसे बोलते हो कि आप पानी को धकेलते हुए आगे बढ़ते हो बस ये बता दो डायनामिक एक्शन में यही वर्ड क्लियर कर दूंगा बताओ पानी में तैरने से पहले हे जल देवता मुझे आगे की ओर अवतरित करें ठीक है ना ऐसा बोलते हो या बोलते हो भैया पानी में स्विमिंग करना है अपने मेहनत करना पड़ेगा फोर्स लगा के आगे जाना पड़ेगा बस ये बताओ तो ये साफ्ट क्या ये बोलेगा हे जल देवता हे लुब्रिकेंट देवता हमें आगे की ओर अग्रसर करें ठीक है ना कि लुब्रिकेंट इसको पकड़ के खींचना शुरू कर देगी नहीं यहाँ खुद मेहनत करेगा साफ्ट यहाँ साफ्ट खुद मेहनत कर रहा है फोर्स लगा रहा है रोटेट कर रहा है तो रोटे, रोटेट मतलब मोशन कर रहा है और फोर्स फुल्ली कर रहा है डायनामिक एक्शन नहीं आ जाएगा डायनामिक वर्ड नहीं आ जाएगा अब तुम ही बताओ मेरे को अब तुम्हें बता दो मेरे को डायनामिक होगा कि नहीं लेकिन आगे चलो तो ये कैसे पॉसिबल है तो सर एक काम करते हैं। मैंने कहा क्या काम करते हैं? सर ये साफ्ट को ना देखो लुब्रिकेंट के अंदर इतना ताकत नहीं है कि साफ्ट को ऊपर उठा के रख दे तो एक काम करते हैं कि सर इसके ना इसके ना क्या करते हैं इसके ना सर एक काम करते हैं। मैंने कहा क्या सुनिएगा ध्यान कहता सर मैंने सुना है मैंने सुना है ऐसा करना जुगाड़ का काम है ऐसा कर दोगे तो सही में जुगाड़ हो जाएगा अच्छा सर एक काम करते हैं इस बियरिंग के ना नीचे इस बियरिंग के नीचे इस बियरिंग के नीचे जो है ना तुम ऐसे ही छप्पन साठ बासठ पैंसठ जो लगाना लगा हमें कोई मतलब नहीं आया देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट पहले सीखो कॉन्सेप्ट नहीं सीखता सिक्सटी फिफ्टी लगाना है पहले सीखो तो सर ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप नीचे से ना प्रेशर प्रोवाइड करो क्या 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 सर प्रेशर प्रोवाइड करो किसको सर लुब्रिकेंट को तो लुब्रिकेंट को प्रेशर कौन प्रोवाइड कर सकता है सर पंप तो हमने क्या लगा दिया इस बियरिंग के नीचे हमने क्या लगा दिया पंप लगा दिया इस बियरिंग के नीचे क्या लगा दिया हमने पंप लगा दिया तो हमने जुगाड़ किया हमने क्या लगा दिया पंप लगा दिया तो इसको कहते हैं हम इसको हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स इसको हम क्या कहते हैं दिस बियरिंग ये जो भी बियरिंग है आई डोंट नो अभी बताऊंगा ये जो भी बियरिंग है ये बियरिंग क्या करती है एक्सटर्नल सोर्स का यूज करती है एक्सटर्नल सोर्स का यूज करती है जिसका नाम है पंप अच्छा मतलब इस इसको सही तरीके से बनाए रखने के लिए हम एक्सटर्नल पंप का एक्सटर्नल चीज का यूज करते हैं जैसे समझना एक मेहनती बच्चा जब गेट की तैयारी करने आता है बहुत मेहनत से बहुत हाई स्पीड में मेहनत करता है स्टार्टिंग टॉर्क बहुत खतरनाक होता है उसका ठीक है ना जैसे आज पहला तारीख है तो आज यहाँ पचास बच्चे तक पहुंच गए थे ठीक ना स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है अब अब ये तो 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 मशीन है है और आप तो आप कि नहीं स्टार्टिंग तो टॉर्क इज हाई हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी के उसको समझ में आता है इतना करना है फिर वो धीरे 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 धीरे, धीरे मेहनत करता 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 थोड़ा सा उठ पाता अपनी लाइफ में समझे लेकिन 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 जिसके पास एक्सटर्नल सोर्स होता है जिसके चाचा विधायक है एक गाना सुने हो एक, एक वो है है, चाचा विधायक है हमारे ठीक है ना तो चाचा जिनके विधायक हैं जिनका जो जुगाड़ लगा हुआ है तो जुगाड़ लगा के हमने क्या करा है हमने फ्लूड को ऊपर उठा दिया हमने फ्लूड को क्या कर दिया ऊपर उठा दिया समझ में आई मेरी बात हमने फ्लूड को क्या कर दिया ऊपर उठा दिया तो जुगाड़ लगा के उसको सेंट्रल की जॉब दिला दी समझ में आया बात तो जिसका जुगाड़ तगड़ा है इंडिया में आज उसी का चल रहा समझ है समझ में आई एक्सटर्नल सोर्स क्या बेटा एक्सटर्नल सोर्स है पंप तो इसको हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं चाहिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क मिनिमम होगा चलेगा इसका स्टार्टिंग टॉर्क मिनिमम होगा चलेगा ठीक है ना क्यों 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 ये बच्चा स्टार्टिंग से इतना मेहनत कर रहा है क्यों इसको पता है इसका कोई जुगाड़ नहीं है बट ये बच्चा स्टार्टिंग से थोड़ा कम मेहनत करेगा अरे यार हमारे चाचा विधायक हम का करेंगे करके जाएंगे सो के उठेंगे हाथ में यूपीएससी का लेटर होगा है ना स्टार्टिंग टॉर्क मिनिमम फिर भी हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी रखता है बात समझे हाई लोड कैपेसिटी रखता है क्यों क्योंकि सेंटर पे है ना और पंप तो लगाए पड़ा है इसको तो कोई कुछ बोल नहीं सकता मेरी बात समझे मेरी बात समझे यस ना है कि नहीं यस नो तो ऐसे बियरिंग को कहते हैं हम बियरिंग के दुनिया का राजकुमार ऐसे बियरिंग को हम कहते हैं बियरिंग के दुनिया का राजकुमार जिसका नाम है हाइड्रो हाई इसका नाम है हाइड्रो स्टैटिक बियरिंग बेटा अभी तो कहानी सुना रहे हैं अभी तो असलियत में जाएंगे ये तो कहानी है अभी तो हमको इसको दोबारा पढ़ना है ये तो हम आपको बता रहे हैं कि देखो Bearing का हिस्ट्री क्या है व्हाट इज द रियल हिस्ट्री ऑफ बियरिंग ठीक है ना फ्लक्चुएट कर क्या स्क्रीन स्क्रीन फ्लक्चुएट कर रहा है क्या अवाया आवाज अब क्लियर है अरे बाबा आप क्लियर है ना काहे टेंशन ले रहे ठीक है तो हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग ध्यान से देखेगा हाइड्रोस्टेटिक स्टेटिक बियरिंग में क्या है आपका यूज करते हैं हम पंप तो यहां लगता है हमारा सुनिएगा ध्यान से सभी लोग आ गया ना आवाज तो इसको हम कहते हैं बियरिंग की दुनिया का राजकुमार इसको हम क्या कहते हैं बेटा बियरिंग की दुनिया का राजकुमार तो भैया ये कौन है ये है राज थोड़ा इंग्लिश हिंदी थोड़ा सही से नहीं लिख पाते हम कहते हैं, हैं, हैं तो बियरिंग की, की दुनिया का राजकुमार यह है राजा बाबू ठीक है ना यह है राजा बाबू तो बियरिंग की राजरिंग की दुनिया का राजकुमार कौन है हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग जिसका जुगाड़ है इस दुनिया में ठीक है ना हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग जिसका जुगाड़ है इस दुनिया में बात समझ में आया सो दिसन इज द हाइड्रो स्टेटिक बियरिंग ठीक है ना स्टेटिक वर्ड का क्या मतलब है यह जीवन भर स्थिर रहा क्योंकि इसका जुगाड़ था स्टैटिक क्यों लिखते हैं अच्छा बताओ स्टैटिक क्यों लिखते हैं रीजन ये अपने पोजीशन से नहीं हिलता ये अपने पोजीशन पे सेंटर पे रहता है और वहीं नाचता है यहीं नाचता है है ठीक ना और जबकि ये ये बेचारा दिन रात इतना इतना चक्कर काटा इसके जूते घिस गए ठीक है ना इतना घुमा इतना घुमा इतना घुमा बेचारा और ये राजा बाबू एक ही जगह बैठ के घूमते रहेंगे लगा हुआ है क्लियर है इतनी बात समझ में आई तो बेटा इंसान की इच्छा इसे जाके पूरी हुई तो ऐसे कर कर के हमने कई सारे बियरिंग बना डाले इतिहास में दो टाइप का बियरिंग जन्म लिया इतिहास का सबसे पहला बियरिंग जन्म ले लिया बॉल बियरिंग उसके बाद रोलर बियरिंग और इसको हम कहते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग क्योंकि रोलिंग कॉन्टैक्ट मोशन होता है देन हाइड्रोस्टेटिक हाइड्रोडाइनमिक इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग हमारा कहानी शुरू होगा अब ये तो कहा सॉरी हमारा कहानी कह रहा है कहानी खत्म हो गया अब हमारा टॉपिक शुरू होगा अब हमारा टॉपिक शुरू होगा जल्दी से जल्दी बता तुम लोगों को कहानी कैसा लगा एक बार और कहानी थोड़ा समझा देते देखो बियरिंग की स्टार्टिंग कहाँ से हो यहाँ से जब साफ्ट होल के अंदर था बहुत परेशानी थी दुनिया का सबसे बड़ा परेशानी अमाउंट यही थी कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा था हीट का जनरेशन ज्यादा हो रहा था जामिंग कंडीशन हो रहा था बिल्टअ अप एज हो जाता था हीट डायरेक्टली फ्रिक्शन ज्यादा था कम करना था हीट कम करना था कैरी कॉन्टेक्ट एरिया कम करना था पॉइंट कॉन्टेक्ट लेकर आ गए हाइयर अब तो उसके लिए हमने क्या किया पॉइंट कॉन्टेक्ट लेकर आ गए तो हम बॉल लेकर आ गए अच्छा तो यहाँ पर पैदा हो गया बॉल भी रिंग एरिया कम स्ट्रेस ज्यादा टेंशन हो गया हमें एरिया कम स्ट्रेस ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम तो हमने कहा एक काम करते हैं मटेरियल से हम लोग काम चला लेंगे कोई कोई मटेरियल ले ऐसा कर लेंगे एट जनरेशन लेकिन मिनिमम हो रहा है फिर हमने कहा एक काम करते हैं हाइयर पेड़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं मतलब लाइन कांटेक्ट कर देते हैं पॉइंट से तो लाइन में ज्यादा एरिया है ना पॉइंट का एरिया कम होता है लाइन का एरिया ज्यादा कांटेक्ट एरिया ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी के ज्यादा और जो जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना मैं बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मैं ये सारे टॉपिक धीरे धीरे ओपन कर करके पढ़ाऊंगा अब क्वेश्चन पूछना तब समझ में आएगा तुम लोग को अभी बस मैंने एक ओवर दिया तुम लोगों ने अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया तुमको क्या लग रहा है ये डिटेल में पढ़ा रहे हैं हम ये डिटेल है अगर ये तुम्हारे लिए डिटेल है तो मैं बता रहा हूं ये मेरे लिए दस परसेंट भी नहीं है ये दस परसेंट भी नहीं है मैं तुम्हें अभी नब्बे परसेंट और दूंगा इस टॉपिक में तुम इतना टेंशन मत लो ठीक ना हंड्रेड परसेंट पढ़ना आज तो बस एक कहानी सुनाया मैंने ये तो मेरी कहानी है ये कहीं लिखा थोड़ी ना ये तो मेरा बनाया हुआ कहानी है ठीक ना देखो हीट का जनरेशन मिनिमम रोलर देन उसके बाद इसको दो भाग में थोड़ा बॉल और रोलर वो एंटी फ्रिक्शन भी ठीक है इसको कहते हैं एंटी फ्रिक्शन समझ ही क्यों इंसान की आइडियल इच्छा फ्रिक्शन जीरो हो जाए लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो कैसे होगा तो सर कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए तो सर एक बाहर वाला एक अंदर वाला ऐसे रहेगा मोशन करेगा ठीक है ना यू कैन सी दिस तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट भी हाँ यहाँ से कई सारे बच्चों ने ऐसे ही सिक्सटी फिफ्टी सिक्स सिक्सटी टू सिक्सटी सेवन जो भी करना हो कोई दिक्कत नहीं है अलग अलग ग्रेड का अलग अलग वो होता है ऑयल होता है डोंट टेक टेंशन ना मेरे को दो ऑयल ये पता है ये लुब्रिकेंट यूज किया जाता है ज्यादा और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दुनिया सबसे खतरनाक लुब्रिकेंट उसका नाम है मोल्टेन ग्लास मोल्टेन ग्लास याद रखना ठीक है ना ये चीज हाँ तो यहां से आ गया अब इसके बाद जो है मैंने बताया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में मैंने आपको एक हाइड्रोडाइनमिक दिखा दिया एक हाइड्रोस्टेटिक दिखा दिया इतनी बात आप लोगों को क्लियर है एक बार बता दो जल्दी से जल्दी ठीक हैश टैग डिजाइन मेरी जान है जान लगा दिए तो सब हो जाएगा खत्म कहानी ना जान लगा दोगे तो सब समझ में आ जाएगा बियरिंग दुनिया का राजा बाबू आप लोग तो देख ही रहे हो ठीक है ना इतनी बात बताओ तुम लोग जितना भी क्वेश्चन पूछे हो ना तुम लोग से बस एक ही विनम्र निवेदन है ठीक है ना एक ही विनम्र निवेदन है घबराओ मत हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा भी डिटेल में पढ़ाऊंगा ठीक है ना क्या पूछ रहे हो इफ यू वांट जीरो फ्रिक्शन देन वी कैन इनर रेस एंड आउटर रेस एंड सैंपल अच्छा अब देखो अब, अब अब बात आई ना कि जीरो फ्रिक्शन पे तो मैं आपको बता देता हूं एक ऐसा भी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग होता है जिसमें लुब्रिकेंट यूज नहीं करते क्या हा क्या बात कर रहे हो सर हां जी एक ऐसा भी बियरिंग है दुनिया में एक ऐसा भी है इस दुनिया में जिसमें लुब्रिकेंट यूज नहीं करते जिसमें लुब्रिकेंट यूज नहीं करते ठीक है ना आउटर रेस हमारा जैसे ये फिक्स है, इनर रेस हमारा क्या करेगा रोटेट करेगा नो लुब्री लुब्रिकेंट, नो लुब्रिकेंट।, लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करते हैं तो आज की क्लास जो थी एक ओवर व्यू था अब आपको डिटेल पढ़ाया जाए सर जीरो फिल्म बियरिंग का यूज कहाँ करते हैं ये तो बता के जाओ अरे दादा तुमको समझ ना आया तुम लोग पिज्जा हट जाते हो पिज्जा खाते हो बर्गर खाते हो ठीक ना कोई भी फूड इंडस्ट्री कोई भी फूड इंडस्ट्री जीरो फिल्म बियरिंग यूज करती है क्यों सर बेटा अगर इसके अंदर से बियरिंग लुब्रिकेंट ऑयल अगर इसके अंदर से बियरिंग लुब्रिकेंट ऑयल थोड़ा सा भी लीक हुआ ना तो पिज्जा का टेस्ट बदल जाएगा याद रखना फिर कहोगे कि आज का पिज्जा बड़ा ही अलग स्वाद का लग रहा है मैंने तो खरीदा वही वाला था फॉर्म फ्रेश या मैंने खरीदा था वही क्या कहते हैं वेजी पनीर पिज्जा है ना मैंने तो खाया था अरे आज का पिज्जा का टेस्ट थोड़ा अलग लग रहा है रीजन उन्होंने बियरिंग में ऑयल डाल के रखा था नो फूड इंडस्ट्री में कहीं भी तुम देखते होगे यहाँ दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारा जो है हमारा है ना आपका देखोगे सीपी में तो माय डियर वहां जो है वहां भी अब ऑटोमेटिक मशीन आ चुका है है ना वहां भी ऑटोमेटिक मशीन आ चुका है अब वहां भी जो जितने भी हैं जैसे रोटियां बनती हैं ये वो जितने भी रोलर्स लगे हैं ना जैसे नो बियरिंग एंड नो लुब्लिकेंट ऑयल सब और सब जीरो फिल्म तो आपके मन में आ रहा होगा आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये हीट नहीं होता क्या होता है तो हम इसको बचाने के लिए दो काम करते हैं क्या काम करते हैं सर इसको हम लोग लो, लो स्पीड पे चलाते हैं दूसरा पॉइंट इसको एयर कूलिंग मिलता है ये ठंडा कैसे होता है एयर कूलिंग से क्योंकि दो मेटल आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट है ठीक है ना समझे हाँ ग्रीस वाला पिज्जा खाना फिर बैठ के खाना बैठ के ग्रीस वाला पिज्जा समझ में आया अब आगे बढ़ने से पहले मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो आगे बढ़ने से पहले मेरा एक पॉइंट क्लियर करो क्या सर ये क्रैश कोर्स जो है ना क्रैश कोर्स मैंने सोचा है मैंने सोचा है शाम को साढ़े चार बजे लगाने का अब तुम लोग मेरे को एक बार प्रॉमिस करके देखो देखो प्रॉमिस करोगे तो आना पड़ेगा साढ़े चार बजे आओगे तभी पढ़ाएंगे नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे ठीक है ना तुम ही लोगों के लिए पढ़ा रहे तुम लोग पढ़ोगे तभी पढ़ाएंगे ना ऐसे थोड़ी ना पढ़ाएंगे तुम लोग से पूछ के ही तो लगाएंगे जनता का जनता के द्वारा बनाया गया शासन दैट इज लोकतंत्र समझे तो तुम्हारा शासन है तुम बताओ अच्छा लव यू सर प्रोमिस अरे इतना समय नहीं है मेरे पास कि पोलिंग कराऊं तुम बताओ हम डायरेक्ट अनाउंस करेंगे हम अब तुम बताओ तो हम फाइनल अनाउंस करेंगे खत्म कहानी फोर थर्टी पी एम क्रैश कोर्स सही रहेगा ये स्टार्ट हो रहा है थर्ड सेप्टेम्बर से क्या ये सही रहेगा बस इतना बताओ अजनबी तू बस इतना बता साढ़े चार पीएम सही है सब तो प्रॉमिस तो कर रहे हो आओगे ना सभी लोग प्रॉमिस तो कर रहे हो आओगे ना कसम खा लो पहले सर स्टार्ट क्या कर रहे हैं ये तो बता दो अरे आओ अब आओ अब सरप्राइज रिवेल करेंगे ये, ये सब ये सब देख रहे हो ये सब देख रहे हो बियरिंग के बेस्ट बेस्ट एग्जांपल स्टार्ट क्या करेंगे ये तो बता दो अभी मैं तुमको ये चीजें आगे दिखाऊंगा कल ठीक है ना देख रहे हो एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा टेंशन मत स्टार्ट क्या कर रहे हो देख लो क्या स्टार्ट हो रहा देख लो क्या है फोर थर्टी पीएम क्या स्टार्ट हो रहा PM, क्या है वाइब्रेशन देखो वाइब्रेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी तक इसका कोई रिवीजन नहीं कराया इसका एक भी टॉपिक फिर से उठा के रिवाइज नहीं कराया जो मैंने पहले पढ़ाया था वो मैंने रिवाइज नहीं कराया अब मैं आपको बताता हूं इसका फायदा फायदा नंबर वन फोर टू सिक्स मार्क्स इन गेट फायदा नंबर टू फायदा नंबर टू टेन डेज कोर्स दस दिन के अंदर खत्म दस दिन के अंदर खत्म इसके बाद सटोम दस दिन के अंदर खत्म तो मैं दस दिन नहीं बोलूंगा आपको नहीं ये सच्चाई है टेन डेज बट मैं आपको ऐसे बोलूंगा टेन टू फिफ्टीन डेज क्योंकि कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता हो सकता है किसी दिन मेरा मन ना करे क्लास लेने का है ना तो दस से पंद्रह दिन मानकर चलो सो टेक टेंशन क्लासेस मंडे टू सैटरडे क्लासेस मंडे टू सैटरडे फोर थर्टी पीएम देखो जिसने जिसने वाइब्रेशन पढ़ा है उसको तो आएगा ही जिसने नहीं पढ़ा है उसको तो गारंटी आएगा ये मेरा गारंटी है ये मेरा गारंटी है जो पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं सब आकर पढ़ो सब आकर पढ़ो ये मेरा गारंटी है तुमको समझ में आएगा ठीक है ना नहीं नहीं जो पढ़े हैं वो भी आए जो नहीं पढ़े वो भी आए गारंटी कह रहा हूं तुमको समझ में आएगा इतना मैं गारंटी ले रहा हूं तुमको समझ में आएगा ठीक ना सबको समझ में आएगा टेंशन मत लो तो फोर टू सिक्स मार्क्स इन गेट दस से पंद्रह दिन में चार से छह नंबर अगर सिक्योर करना चाहते हो टाइम नोट कर लो फोर थर्टी पीएम डेट नोट कर लो थर्ड सितंबर डेट अनाउंस कर लो थर्ड सितंबर यानी कि कल से शाम साढ़े चार बजे टुमारो फोर थर्टी पीएम वी आर स्टार्टिंग वाइब्रेशन अब मचेगा धूम हैक योर वाइब्रेशन के साथ ठीक है ना आप लोगों को वाइब्रेशन भी कराऊंगा और उसकी हैकिंग भी पढ़ाऊंगा रिवीजन में सब कराऊंगा बस 10 से 15 दिन के अंदर खत्म कोई स्लो मोशन क्लास नहीं बढ़िया क्लास चलेगी <coughs> क्लियर है इज दैट क्लियर ना तो ये एक जबर वाला अनाउंसमेंट था जबरदस्त वाला ध्यान रखिएगा जबरदस्त वाला अनाउंसमेंट था इसको याद रखना इज दैट क्लियर तो कल से सभी लोग आएंगे एक बार सभी लोग प्रॉमिस करोगे कल से सभी लोग आएंगे ना ठीक है ना ना जो लाइव देखेगा फायदा उसी को होगा लाइव देखेगा फायदा उसी को होगा नहीं तो ये हो सकता है कि आगे वीडियो में प्राइवेट कर दूंगा लेकिन इसलिए कह रहा हूं लाइव देखो फायदा हो लाइव देखो फायदा होगा मैं फिर बता रहा हूं लाइव देखो फायदा होगा चाहे जो हो कुछ भी करना पड़े टाइम निकालो चाहे जो करना पड़े तुम ही लोग से अभी पूछा है ना फाइनल किया है फोर थर्टी पी एम तो फोर थर्टी पीएम इज अ फाइनल फॉर ऑल अगर आप पढ़ोगे सही तरीके से तो नोट्स भी आपको वाइब्रेशन का मिलेगा याद रखना वाइब्रेशन का नोट्स भी मिलेगा अच्छा बेटा फोर टू एच ठीक 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 है सरत ठीक ना सो गाइज यू कैन सी दिस यू कैन सी दिस ध्यान से देखो चार से छ मार्क्स का गेट में आता है दस से पंद्रह दिन में खत्म हो जाएगा अपने दोस्तों को भी जाकर बताओ वाइब्रेशन आ रहा है आ रहा है क्रैश कोर्स के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर वाइब्रेशन आ रहा है मेरे बच्चे ध्यान से जाओ और तैयारी शुरू कर दो वाइब्रेशन कल से आने वाला है ठीक ना कल से कुछ नहीं करना आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है जो भी पढ़ा हाई स्पीड में सभी लोगों को कुछ नहीं करना मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा बस आपसे एक रफ कॉपी खरीद लो रफ कॉपी एक रफ कॉपी जो होता है दस बीस रुपए तीस रुपए वाला जो भी एक खरीद लो कल से जो जो पढ़ाऊं बस देखते रहना और लिखते रहना लिखते रहना लिखते रहना, लिखते रहना। तुम पंद्रह दिन के अंदर बस तुम लिखते रहना तुम वो नोट्स नहीं बनाना है वो नोट्स नहीं है वो तुम्हारा रिविजन नोट्स है तुम रिवाइज कर रहे हो फटाफट 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 समझे फटा, मेरी बात मेरी बात समझ में आई तो कल से ये चीजें करना है प्लीज पूरा लिखा है एक बार और लिखोगे रिवीजन करोगे अगर तुमने पूरा नोट्स बनाया तो एक बार और रिवीजन करोगे बस मैं आपसे यही कहूंगा रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो लिख के जितना रिवीजन करोगे ना उतना समझ में आएगा मेरे बच्चे लिख के जितना रिवाइज करोगे ना उतना समझ में आएगा तुम बस क्लास देखना और लिखना हाई स्पीड में क्लास देखना और लिखना फटाफट सुनना एक बार ध्यान से सुनने का ताकत ज्यादा रखना कल की क्लास में 4:30 थर्टी पीएम की क्लास में सुबह वाइब्रेशन चल रहा है सुबह आपका बैलेंस बियरिंग चल रहा है शाम को वाइब्रेशन इन दोनों क्लास को टाइम पे आपको कंप्लीट करना है ध्यान से क्योंकि बियरिंग भी इंपॉर्टेंट है और वाइब्रेशन भी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर यस और नो इज दैट क्लियर यस और नो आ जाओ तो क्रैश कोर्स में जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है डियर दैट इज वाइब्रेशन समझे तो डियर हम अब एक एक करके आपको सारे बियरिंग पढ़ाएंगे एक एक करके सारे बियरिंग आपको कंप्लीट कराएंगे ठीक है ना अपनी अगली क्लासेस में आज के लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं ठीक है ना मैंने जितना बियरिंग आज पढ़ाया है उसको कहीं नोट कर लेना जो कहीं नोट कर लेना मैं फिर से बता रहा हूँ या आज आज अच्छी स्ट्रेंथ थी ना तो आज का नोट्स भेज दे रहा हूं जिस दिन अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई देगी मेरे को पचास साठ तो उस दिन मैं अपने आप आपको नोट्स भेज दूंगा ध्यान रखना जिस दिन अच्छी स्ट्रेंथ हां एफएम जो शाम को चल रहा है उसमें मिलेगा आपको ठीक है ना ध्यान रखिएगा क्लियर Clear. चल सो डियर इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर प्लस एंड सेक्शन गेट एंड में आप आलोक लाइव कोड लगाकर आ सकते आलोक लाइव आप देख रहे होंगे ठीक है आलोक लाइव कोड लगाओ और प्लस में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यू कैन सी दिस जहां आप बोल कर ही अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं वीकली टेस्ट क्रैश कोर्स ये सारी चीजें वॉइस असिस्टेंट आपको मिलता है आइकॉनिक में आपको डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग आपको मिलेंगे ध्यान रखिएगा डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर्स आपको प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल्स मिलेगा स्टडी प्लानर्स ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी बस एक कोड लगाना है कोड है आलोक लोक लाइफ ठीक है ना आलोक लाइफ कोड लगाओ बारह महीने अठारह महीने चौबीस महीने का कोई प्लान आप आराम से चूज करके ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ना आइकॉनिक में भी ज्वाइन कर सकते हैं डियर मैं तो कहूंगा पर मंथ ई दे दे के पे करो खत्म करो ठीक है और एक सबसे बड़ी सूचना ये आई है कि अनएकेडमी में आस्क ए डाउट ठीक है ना आप पूछ सकते हो अनएकेडमी में आपको कुछ नहीं करना आप अनलिमिटेड आप डाउट un पूछो आप डाउट कभी भी पूछ सकते हो ठीक है ना आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो रिवाइज होगा हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ठीक है ना आप एक्यूरेसी uh, के साथ सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे यू कैन सी दिस तो आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ एक फोटो क्लिक करना है अपने डाउट का उसको भेज देना है एक डाउट का फोटो क्लिक करना और सीधे आपको भेज देना है के ऐप पर ठीक है ना आपको डाउट का आंसर मिल जाएगा मिशन डी जो है बेटा मैं आपको बता दू दिस वन इज द बाई लैंग्वल है दोनों के लिए है तो आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक ना डिफरेंट डिफरेंट बैचेस हमारे सामने दिख रहे होंगे आलोक लैब कोड लगाना हैश टैग डिजाइन मेरी जान है और आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है बस याद रखना मैकेनिकल और एक्सी वालों मैकेनिकल और एक्सी वालों आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है एक्सी डी के बच्चे बिल्कुल परेशान मत हो उनका सोम रोका नहीं गया है जो सोम चल रहा था ना आपके लिए सोम जो है अलग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस सेप्टेम्बर के अंत तक एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसी समय पर ठीक ना बस ध्यान से देखते रहो आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है ठीक है ना बस कोड यूज करना है दैट इज आलोक वाइर डॉट कॉम है ये टाइमिंग एंड इज माय टेलीग्राम चैनल टी डॉट एम ई स्लैस आलोक आप इस पे आकर हमें ज्वाइन कर सकते हो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां आपको नोट्स जहां आपको आपको लिंक जहां आपको स्पेशल क्लास के लिंक सारी चीजें मिलती हैं जहां आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो ठीक है ना तो टेलीग्राम पे आकर हमसे जुड़ सकते हो याद रखिएगा फ्लूड मैकेनिक्स अब हर सवाल होगा पानी पानी सो मेरे प्यारे भाइयों टाइम है साढ़े सात पीएम सेवन थर्टी पीएम सेवन थर्टी पीएम आप हमें ज्वाइन कर सकते हो देख सकते हो ठीक और कल ही मैंने पढ़ाया ये स्फेरिकल शेप का क्यों होता है मिनिमम एरिया होता है ठीक है ना सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन स्पेशल क्लासेस में क्या क्या पढ़ाऊंगा एफएम पढ़ा रहा हूं इसके बाद फ्लूड मशीनरी पढ़ाऊंगा ठीक ना वैसे भी फ्लूड मशीनरी का वीडियो पड़ा हुआ है हमारे उस पर जाकर आप देख सकते हैं एफ पढ़ा रहा हूँ फ्लूड मशीनरी पढ़ाऊंगा हाइड्रोलिक मशीन जिसको आप कहते हो उसके बाद इंजीनियरिंग मैथामेटिक्स पढ़ाऊंगा स्पेशल क्लासेस में आना नहीं भूलना स्पेशल क्लासेस में तो मेरे प्यारे भाई एक बड़ा कवरेज एरिया में आपको दे रहा हूँ एक्सी वाले बच्चों को तो टेंशन ही नहीं है देखो मैथ भी पढ़ोगे फ्लूड भी पढ़ रहे हो और यहाँ यूट्यूब पे सोम भी पढ़ोगे तो डोन्टे ठीक ना अगर आप सिक्वेंस माइनर में पढ़ते हो तब जाओ प्लस पे ठीक है ना ध्यान से तो प्लस ले रहे हो तो सिक्वेंस माइनर में पढ़ा ध्यान रखिएगा और सिक्स मंथ के सब्सक्रिप्शन पे अभी आपको जो ऑफर मिल रहा है आप ले सकते हैं छह महीने का सब्सक्रिप्शन पर मंथ ईएमआई पे आप जे चूज कर सकते हैं ठीक है ना ठीक है ना ध्यान रखिएगा ओके सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ द सेशन सेशन अच्छा लग रहा हो सेशन को लाइक करना सेशन को शेयर करना और अपने दोस्तों को तो बिल्कुल शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ठीक है ना चलो भाई मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में कल सुबह साढ़े नौ बजे और आज शाम को साढ़े सात बजे इन इवनिंग सेवन थर्टी पी एम सो बाय बाय तब तक ले सभी को जय हिंद जय भारत